सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे मैजिक सब कुछ है। हर एक चीज करने के लिए तुम्हें मैजिक का यूज पड़ेगा और उस दुनिया में जो सबसे पावरफुल इंसान होता है उसको बोलते हैं विजर्ड किंग, और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें भी विजर्ड किंग ही बनना है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम इस दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके पास मैजिक की बिल्कुल भी ताकत है ही नहीं, तो तुम अब विजर्ड किंग कैसे बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की। पिछली बार हमने देखा था कि आस्था असल में हार्ट किंगडम में गया होता है वहां पे जानने के लिए कि वहां पे कर्स कहां से आ रहा है। वो जैसे ही हार्ट किंगडम में एंट्री लेता है तो वहाँ की जो क्वीन होती है वो उसको अपने पास बुला लेती है और वो लड़ता है वहाँ की स्पिरिट से। वेल, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। फिर आस्था जैसे ही वो स्पिरिट से लड़ रहा होता है वाटर वाली, तो वो उसके बीच में अपना एक नया अटैक यूज करता है जिसमें वो अपने की को यूज करता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि जो क्वीन है वो एक कोने में छुपी हुई है, तो आस्था डायरेक्टली जाके क्वीन वाले एरिया पे अटैक करता है। लेकिन आस्था को देखने के बाद ये बंदी उसके ऊपर अपना वाटर मैजिक यूज करती है, और तभी ही हमारी मर्मेड वाली स्पिरिट यहाँ पे आती है और बोलती है, अरे क्वीन लोरोपैच का आप क्या कर रही हो। तो इससे हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो बंदी है ये डेफिनेटली यहाँ की क्वीन है और इसका नाम लोरोपैचका है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा गाजा बंदा भी एकदम से सेफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो अटैक किया होता है नोवेल ने अपने ड्रैगन से, उसको उसने एक अपने मैजिक से काउंटर कर लिया होता है जो उसके पेट पे बना होता है। फिर उसके बाद वो हम लोग के हीरोज के पास जाता है और उनको बोलता है कि असल में मैं तुम लोग को सिर्फ टेस्ट कर रहा था ये देखने के लिए कि तुम लोग के मैजिक स्टेजेस कहाँ पे है। सेम यहाँ पे हमारी क्वीन भी आस्था को यही बोलती है। फिर हमें दिखाते हैं कि असल में जो क्वीन होती है वो तो एक नंबर की ढक्कन दिखती है, और वो एकदम पढ़ाकू गीक के जैसे होती है। उसने एकदम वो जलेबी वाले चश्मे पहन के रखे होते हैं और वो एकदम से गधी जैसी दिखती है। तभी वो आस्था को बताती है कि ये सब स्टेजेस वाले पावर क्या होते हैं। वो बोलती है कि जिसका भी स्टेज पावर 9 नंबर पे होता है उसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं होते हैं, और ऐसे ही जिसका पावर 0 नंबर पे होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। फिर आस्था बोलता है कि अच्छा, तो तुम हम लोग को असल में टेस्ट कर रहे थे। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं टेस्ट कर रही थी कि तुम लोग का मैजिकल पावर कौन से स्टेज पे है। फिर आस्था बोलता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि मुझे जाना था कि ये तुम्हारे कंट्री में सबसे खतरनाक कर्स कहाँ पे है, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो ये सब सुनने के बाद हमारी मर्मेड बोलती है कि अरे बेटा आस्था, तुझे इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। लेकिन तभी हमारी लोरोपैचका बोलती है कि अरे वो कर्स तो मुझे लगा हुआ है। तो ये सुन के हमारी मर्मेड एकदम टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि अरे तुमने इसको क्यों बताया कर्स के बारे में। और हमारी लोरोपैचका बोलती है कि देखो, मेरे पेट के ऊपर कर्स बना हुआ है और अगर इस कर्स को मैंने ठीक नहीं किया तो 1 साल के अंदर मैं खत्म हो जाऊंगी। फिर तभी लोरोपैचका बोलती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मुझे पता है कि कर्स के बारे में तुम्हें भी जानना है। वेल, अभी मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो बस रेडी होती है बात बताने में, तभी वो चिल्ला के भाग के जाती है कहीं और बोलती है कि अरे मैं भूल गई, मेरे प्लांट्स को पानी देना। तो ये सुन के तो आस्था बोलता है, अबे ये सही में क्वीन है कि ये टाइम पास कर रही है मेरे साथ। फिर हमारी क्वीन अपना ग्रिमरोर खोलती है और उसके बाद हमारी क्वीन फटाक से उसके क्वीन वाले ड्रेस में आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है इसमें। तो अब ये प्रॉपरली क्वीन के जैसे दिख रही है और कोई ढक्कन लड़की जैसे नहीं दिख रही है। इसको देख के आस्था तक ब्लश करने लगता है और बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। लेकिन क्वीन 2 कदम लेती है और स्लिप होकर गिर जाती है। मतलब भाई, ये क्वीन सही में ढक्कन ही है। फिर आस्था बोलता है, लगता है कि तुम्हें इतनी ढक्कन, इसे तो मेरी आदत ही है। उसके बाद हमें हमारी मर्मेड बोलती है कि वो जो डेविल है उसका नाम है मैजिकुला, जिसने हमारी क्वीन के ऊपर ये मैजिक करके रखा है और कर्स करके रखा है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज जो कि होते हैं वेनिसा, लक और तो और मैग्ना, ये लोग गए होते हैं डायमंड किंगडम में छानबीन करने के लिए। तभी वो लोग देखते कि वहां पे एक मेज होता है जो कि होता है स्पेड किंगडम का, और ये मेज ने डायमंड किंगडम के टॉप टॉप लेवल के कैप्टन्स को हरा के रख दिया होता है अकेले ही। और इसको देख के हमारे तीनों हीरोज की हवा छूटने लगती है। तभी ही वेनिसा हमारे लक को बोलती है कि लक, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इससे लड़ने के लिए मत जाना। लेकिन इसके बाद लक जो बोलता है वो सुनके तो भाई मुझे बहुत शॉक लगा। लक बोलता है कि मुझे इससे नहीं लड़ना है क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस बंदे से लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो भाई समझ जाओ कि ये सिचुएशन कितना सीरियस है। लक जैसा बंदा जो हमेशा लड़ने की बात करता है वो बोल रहा है कि उसको लड़ना नहीं है सामने वाले से, और ये जो स्पेड किंगडम का मेज है ना, ये भाई मुझे लग रहा है कि ये सीजन का मेन विलन होने वाला है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बाकी के हीरोज भी यहाँ पे क्वीन के चेंबर में आ जाते हैं। तो जब ये लोग क्वीन को देखते हैं तो ये सब के सब शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्वीन कितनी ब्यूटीफुल है और इसको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि इसके पास बहुत पावर है। तो हमारी क्वीन 2 कदम चल के आती है और बोलती है प्लीज तुम लोग मेरी हेल्प करो, ऐसा बोल के वो नीचे गिर जाती है वापस से। तो इस सीन में मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि भाई ये क्वीन कैसी है। और हमारी मर्मेड वापस से क्वीन को उठाती है और बोलती है लोरोपैचका, तुम क्यों ऐसे गिर रही हो बार बार, तुम्हें क्वीन के जैसे बिहेव करना है। फिर उसके बाद हमारी क्वीन हमारे हीरोज को बोलती है मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए इस डेविल को हराने में। ये डेविल का नाम है मैजिकुला और इसने मेरे ऊपर एक कर्ज करके रखा है जिसकी वजह से मैं 1 साल में खत्म होने वाली हूँ। वेल, ये सुनने के बाद हमारी मीमोसा बोलते कि अगर आपको इस डेविल को हराना ही है तो आपके किंगडम के लोगों को यूज करिए क्योंकि आपके किंगडम में तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जैसे कि स्पिरिट गार्डियन गाजा हो गया। तो बोलती बात तुम सही कर रही हो, लेकिन एक डेविल को हराने के लिए हम लोग को स्टेज 1 या उससे कम वाले लोग लगते हैं। वो बोलती कि मेरे किंगडम में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग स्टेज 1 या स्टेज 0 पे हैं, लेकिन तुम्हारे किंगडम में कुछ कुछ
कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग स्टेज जीरो के ऊपर भी होते हैं, आर्केन स्टेज पे। अब आर्केन स्टेज क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे लोगों ने नॉर्मल वाले मैजिक नहीं यूज करते हैं। मेरे किंगडम के अंदर नेचुरल माना बहुत फ्लो होता है, इसीलिए सब लोग के पास नेचुरल मैजिक है, जो कि हो गया वाटर वाला मैजिक, फायर वाला मैजिक, आइस वाला मैजिक, ये सब टाइप का मैजिक। लेकिन तुम्हारे किंगडम में एंटी मैजिक है, टाइम मैजिक है, डार्क मैजिक है, इनविजिबिलिटी वाला मैजिक है, चेन मैजिक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के मैन मेड मैजिक है जिनकी वजह से तुम लोग आर्केन लेवल में काउंट होते हो। और डेविल को हराने के लिए हमें आर्केन लेवल के मैजिक लगते हैं, क्योंकि वो नेचुरल टाइम के साथ फ्लो नहीं होते हैं, और इसीलिए वो लोग डेविल के दूसरे वर्ल्ड वाले पावर्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ तुम्हारे किंगडम में है, क्योंकि तुम्हारे किंगडम के लोगों ने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया है और नए नए मैजिक्स को अक्वायर किया है। इसी वजह से तो तुम लोग के पास माना कम है मेरे किंगडम के रिलेटेड में, लेकिन तुम्हारे पास नए टाइप का मैजिक है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर ये सुनने का आस्था बोलते हैं, ठीक है अब मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कैप्टन यामी से बात करके आपको बताता हूँ। तो आस्था फटाक से यामी को कॉल लगाता है, लेकिन यामी इस वक्त बाथरूम में पॉटी कर रहा होता है, तो यामी आस्था का कॉल काट देता है। उसके बाद हमारी मिमोसा हमारे मशरूम बॉय को कॉल लगाती है, और मशरूम बॉय वहां पे बात करता है इन लोग से और बोलता है कि मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं महोदय के साथ ये बात कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो हमारा मशरूम बॉय बोलता है कि ठीक है हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें हम दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलने वाला है। फिर ये सुनने के बाद हमारी क्वीन बोलती है, चलो ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप लोग हमारी हेल्प करोगे, लेकिन सच बोलूं तो अगर जिस स्टेज पे आप सब लोग इस वक्त हो ना, अगर आप इस वक्त लड़ने गए वो डेविल से, तो आप सब के सब खत्म हो जाओगे। उससे कम से कम 100 से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकुलर है, तो तुम लोग को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद को और स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आस्था बोलता है कि उस डेविल को हराने में हमारी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने उसको फर्स्ट महोदय और तो और लिफ्ट के मदद से हराया था, लेकिन ये बंदा उससे 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम कैसे हराएंगे। फिर हमारी क्वीन बोलती है, ये जो डेविल है ना, ये डेफिनेटली स्पेड किंगडम के अंदर है, और स्पेड किंगडम के लोग इस वक्त हर किंगडम के ऊपर हमला करके उनको कॉन्कर करने की कोशिश करने वाले हैं। फिर हमारी क्वीन बोलती है कि मैं तुम लोग को 6 महीने का टाइम देती हूँ, 6 महीने में तुम लोग अपना जितना प्रैक्टिस करना है करो, खुद को इम्प्रूव करो, और फिर हम लोग 6 महीने के बाद इसके ऊपर एक जॉइंट अटैक करने वाले हैं स्पेड किंगडम पे। फिर उसके बाद हमारे महोदय हमारे मशरूम बॉय से बात करते हैं, बोलते हैं कि मशरूम बॉय अब तुम एक काम करो, तुम सारे के सारे मैजिक नाइट्स को बोल दो कि उनके पास 6 महीने का टाइम है खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि हम लोग मिलकर हार्ट किंगडम के साथ अटैक करेंगे डायमंड किंगडम के ऊपर। फिर अगले सीन में आस्था अपने बेस पे होता है, और वहां जाकर वो यामी को हर एक चीज बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये सुनकर यामी बोलता है कि अच्छा तो अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है ना, ठीक है, तो मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ कि तुम सब के सब फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये 6 महीने में तुम्हें कैसे भी करके अपने आप को इम्प्रूव करना है और हमें जाके लड़ना है इससे, क्योंकि इन दी एंड इस डेविल को हराने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि हम लोग आस्था को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सुनने का हम लोग के सारे ब्लैक बुल्स के लोग एकदम से फायर अप हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आस्था के लिए ये करना ही पड़ेगा। फिर तभी हमें बताता है हमारा लक वेनिसा और तो और मैग्मा की पर्पल लोगों ने स्पेड किंगडम में किस बंदे को देखा था। ये लोग बोलते कि इस बंदे के पास से ऐसा डार्क मैजिक निकल रहा था कि इन्हें डेफिनेटली यकीन है कि यही बंदा वो है जिसके पास मैजिकुलर डेविल की पावर है, और ये बंदा एकदम अलग ही लेवल पे था कि यहाँ तक कि लक के भी पसीने छूट रहे थे, और इसने डायमंड किंगडम के टॉप टॉप लोगों को हरा दिया था। तो ये सुनने का आस्था को लगता है कि शायद से हमारा डायमंड बॉय भी इसके सामने खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ 6 महीना है, लेकिन हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अपने मैजिकल पावर्स को इम्प्रूव करेंगे और खुद को स्ट्रेंथन करेंगे लड़ने के लिए इस मैजिकुला से, और इसको हरा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर देंगे, तो कर दो सब्सक्राइब। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मैजिक नाइट्स के कैप्टन रॉयल कैपिटल में खड़े होते हैं, और वो लोग स्पीच देने वाले होते हैं हमारे नॉर्मल वाले पब्लिक को। तो यहाँ पे सारे के सारे कैप्टन होते हैं, लेकिन सिर्फ यामी नहीं होता है और जैक नहीं होता है। तो हमारे चार्लेट बोलते कि इतने खतरनाक टाइम पे यामी क्या कर रहा है यार, तुम मेरे पास आ तो जाओ, और चार्लेट एकदम से ब्लश कर रही होती है। मीनवाइल हमारा व्हाइट लक किसी के सपने देख रहा होता है, क्योंकि वो प्यार में होता है हमारी अडल्ट चामी के साथ। वो सोच रहा होता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ पे गई। इस वक्त हमारी स्लीपिंग ब्यूटी भी एकदम से उठी हुई होती है और वो एकदम खुश होती है। फिर यहाँ पे हमारा मशरूम बॉय आता है और वो लेके आता है हमारे महोदय को, लेकिन महोदय इस वक्त अपने अडल्ट वाले फॉर्म में होते हैं। तो ये देख के सबको थोड़ा शॉक लगता है कि महोदय अडल्ट फॉर्म में कैसे हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये महोदय नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे डॉक्टर ओवेन, जिन्होंने खुद के मुंह को कवर किया होता है, और वो महोदय के कपड़े पहन के यहाँ पे आए होते हैं ताकि सब लोग को लगे कि महोदय को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोग को महोदय के छोटा वाला रूप रिवील नहीं करना है पब्लिक में। फिर उसके बाद एंट्री लेता है यहाँ का किंग, और किंग के पीछे उसके कपड़े पकड़ के आ रहा होता है बुहा। तो भाई बुहा तो किंग का प्रॉपर असिस्टेंट बन चुका है इस वक्त। किंग यहाँ पे आके बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि हमारा महोदय इस वक्त कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत लेके रखा होता है, क्योंकि उनके गले में बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ये चीज का फायदा उठा के हमारा किंग बोलता है कि अभी मैं तुम लोग को स्पीच दूंगा। ऐसा बोलते हुए बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा किंग आस्टोरियस कीरा क्लोवर 13, अब तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ। तो कोई भी ताली नहीं बजाता है किंग के लिए। फिर किंग बोलता है कि रुको रुको, मैं तुम लोग को मेरा प्रॉपर मैजिक
मैजिक दिखाता हूँ। ऐसा बोल के किंग अपना लाइट मैजिक यूज करता है और वो अपना बड़ा सा वैलियंट फिगर को खड़ा करता है, लेकिन तभी यहाँ पे जैक और यामी आते हैं और वो किंग के मैजिक को रोक देते हैं। वो दोनों असल में एक दूसरे झगड़ा कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कौन ज्यादा ही स्ट्रांग है, लेकिन तभी ही यहाँ पे हमारा छपरी बॉय और तो और चोटी वाले बाबा दोनों ही बीच में आके बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि हम लोग असल में यहाँ पे इसलिए गैदर हुए क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि हम लोगों ने आई ऑफ द मिडनाइट सन को खत्म कर दिया है और उसी के साथ ही साथ अब हमारा किंगडम सेफ है। तो ये दोनों बोलते हैं अच्छा वो आज बोलना था क्या, वेल हम भूल गए थे। तो चार्लोट बोलती है अरे यार यामी तुम कितने ही बेवकूफ हो। फिर किंग यहाँ पे आके यामी और तो और जैक के ऊपर भड़कने वाला होता है, लेकिन तभी छपरी बॉय यहाँ पे आके बोलता है कि सर आपको लोगों को भी दिखाना चाहिए कि आप कितने मर्सीफुल हो, तो इनके ऊपर मत भड़किए। तो किंग इन दोनों पे नहीं भड़कता है। फिर उसके बाद सब लोग वहां से निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि महोदय के रूम में सारे के सारे मैजिक नाइट्स बैठे हुए रहते हैं और हमारे हीरोज भी बैठे होते हैं। यहाँ पे आस्था होता है, नोवेल होती है, पिंड्रल होता है और तो और मिमोसा होती है। ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे हमारी चार्लोट के बगल में यामी बैठा होता है और चार्लोट एकदम से ब्लश कर रही होती है। फिर यामी उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें पॉटी लगी तो तुम जाके पॉटी कर लो। तो ये सुन के चार्लोट बोलती है अबे तू क्या बात कर रहा है। इतने में जैक बोलता है ओए यामी तुझे इतना भी नहीं पता कि चार्लोट को इस वक्त पॉटी नहीं लगा है, उसको लगा है सुसु, तो वो सुसु करने वाली है। तो ये सुन के चार्लोट बोलते हैं कि तुम दोनों लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये से देख के सारे मैजिक नाइट्स हंसने लगते हैं। मीनवेल यामी बोलता है कि अरे ये व्हाइट लक को क्या हुआ, ये तो एकदम किसी के सपने में है, ऐसा हो गया है। तो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है कि हाँ जब से ये एल्फ से कन्वर्ट होकर वापस ह्यूमन फॉर्म में आया है तब से ये ऐसा ही बैठा हुआ है, असल में हमारा व्हाइट लक सोच रहा होता है चामी के बारे में। फिर उतने में वहां पे हमारे महोदय आते हैं और वो अपना सीट लेके बोलते हैं कि गाइस अब हम हमारे बात को शुरू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उसी वक्त डोमिनेटर भी आता है। तो डोमिनेटर को देख के यामी ऑन द स्पॉट भड़कता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन महोदय यामी को रोक देते हैं और बोलते हैं यामी तुम टेंशन मत लो, डोमिनेटर को मैंने बुलाया यहाँ पे। फिर उसके बाद महोदय उनकी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग में वो उन लोग को वही बताते हैं जो सब मैंने अब तक बताया था कि कैसे हमारे हीरोज वाटर किंगडम में गए थे, वहां जाके उन लोग ने पता लगाया कि कैसे वहां की जो क्वीन है उसके ऊपर एक कर्स है जिसके ऊपर मैजिकुलर नाम के डेविल ने कर्स रखा है। तो वहां पे मैजिक स्टेजेस नाम की चीजें होती है जिस वजह से इस डेविल से लड़ने के लिए इन लोग को लेवल 0 और लेवल 1 के मेज चाहिए और तो और आर्केन लेवल के मेज चाहिए। तो जो भी मैजिक नाइट्स के कैप्टन है और वाइस कैप्टन है वो सब के सब लेवल 1 और लेवल 0 के लेवल पे काउंट होते हैं। तो ये लोग तो डेफिनेटली फाइट करने वाले हैं। मीनवाइल वो लोगों को 6 महीने का टाइम दिया गया ताकि वो लोग उस 6 महीने में अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके और खुद के टीम मेंबर्स का लेवल अप कर सके ताकि वो लोग डेविल से लड़ने के लिए रेडी हो पाए। फिर वो बोलते हैं कि स्पेड किंगडम में एक बंदा है जो कि मैजिकुला का होस्ट हो सकता है, उस बंदे ने इस वक्त डायमंड किंगडम पे हमला किया है और पूरे पूरे डायमंड किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इन 6 महीनों में तुम सबको अपने पूरे स्क्वाड के लोगों को बोलना है कि उन्हें इतनी मेहनत करनी है, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो लोग अपने आप को पावर अप कर सके, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक ऑल आउट अटैक करने वाले हैं स्पेड किंगडम के ऊपर हार्ट किंगडम के साथ। क्योंकि अगर हमने ये सब नहीं किया तो धीरे धीरे करके स्पेड किंगडम हम सबके ऊपर हमला करेगा और हमारे पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सुन के सारे मैजिक नाइट्स के कैप्टन बोलते हैं कि ऑफकोर्स हम ये करने ही वाले हैं। उसके बाद हमारा छपरी बॉय खड़ा होता है और बोलता है कि सर मैं ये चीज करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं मेरा कैप्टन वाला चीज छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया था इस एल्फ वाले पूरे आर्क में, तो आपको पता ही है ये। ये सुन के हमारी चार्लोट और तो और हमारा प्रिंगल्स बॉय ये दोनों भी खड़े होकर बोलते हैं कि हम लोग भी ये कैप्टनशिप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम लोग ने भी एल्फ वाले आर्क में अपने ही किंगडम के ऊपर हमला किया था और हम लोग इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। तो ये सुनने के बाद हमारा महोदय बोलता है कि तुम लोग रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा कैप्टनशिप छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने ये सब एल्फ के इन्फ्लुएंस के अंदर आके किया था, तो अगर तुम लोग को लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें इस गलती को सुधारना है तो तुम लोग खुद के स्क्वाड को इम्प्रूव करो और लड़के स्पेड किंगडम को हराने में हमारी मदद करो। देखो अभी अगर तुम लोग रिजाइन करोगे तो इससे किंगडम को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो तुम्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमारे किंगडम को बचाने में हेल्प करनी है। फिर इसके बाद महोदय डोमिनेटर को बोलते हैं डोमिनेटर देखो अब तुम्हें पता चल चुका है कि डेविल्स असल में एग्जिस्ट करते हैं और हमें उन्हें जाके रोकना है, तो तुम आस्था को छोड़ सकते हो। तो डोमिनेटर बोलता है कि नहीं, जब तक मैं अपने आंखों के सामने उस डेविल को नहीं देख लेता हूं कि उसने इन लोग को कंट्रोल किया था तब तक मैं आस्था को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि आस्था ने ही इन लोग के ऊपर हमला किया है और इन लोग को कंट्रोल किया था, तो तुम्हें इस डेविल को हराना पड़ेगा और तो और डेविल के कर्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आस्था को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूं। ऐसा बोल के डोमिनेटर वहां से निकल लेता है। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे मैजिक नाइट्स बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने सारे टीम को एक साथ मिला दें और उसके साथ में ट्रेनिंग कराएं, तो ऐसे सारे के सारे टीम मेंबर्स को एक साथ ट्रेन करके खुद को पावर अप करने का मौका मिलेगा। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। इतने में हमारे महोदय बोलते हैं कि मुझे एक और इंसान को तुम लोग से मिलाना है। फिर महोदय डोर खोलते हैं और उसके पीछे होता है हमारा इनविजिबल बॉय, और इसको देख के जैक और यामी तुरंत इसके ऊपर हमला करने के लिए भागते हैं और बोलते हैं कि तू तो ट्रेटर रहते को तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी महोदय बोलते हैं कि हमें इस बंदे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस बंदे को माफ करने की सोच रहा हूं क्योंकि मैं इसको बोलना चाहता हूं कि ये वापस से एक मर्चेंट बन जाए हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री को बहुत सारा प्रॉफिट ला के दे, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं
नहीं है इस वक्त की हम लोग हर चीज के बारे में भूल जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे ऊपर एल्फ्स ने इतना अटैक किया था कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो हमें हमारे किंगडम को रिबिल्ड करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इनविजिबल बॉय को माफ करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर उसने हमारे किंगडम में बहुत प्रॉफिट करके दिया तो बाकी लोग बोलते अच्छा ये बात तो सही है। उसके बाद निकलने के पहले हमारे महोदय बोलते कि बाय द वे मैंने जैसे कहा था कि हमारे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है, तो मैं तुम सबकी सैलरी को 50% काट रहा हूँ। तो ये सुन के सारे के सारे मैजिक नाइट्स बोलते कि हाँ हमें चलेगा, लेकिन जैक और यामी इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। ये लोग महोदय को बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन तभी महोदय बोलते देखो बाकी लोग को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मैजिक नाइट्स के कैप्टन ये बार में बैठे होते हैं और मस्त पी रहे होते हैं। वहां पे यामी और जैक दोनों ही एकदम गुस्से में रहते हैं और सबसे बैट लगाने लगते हैं कि वो लोग गैम्बलिंग करके जीतेंगे, लेकिन वो लोग गैम्बलिंग करते करते हार जाते हैं और वो लोग एकदम से नागड़े हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और यूनो दोनों ही एक हफ्ते का ब्रेक लेके अपने हाजी विलेज में जाते हैं। वहां जाते ही वो लोग जैसे अंदर पहुंचते तो सारे के सारे लोग आस्था और यूनो को घेर लेते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। तभी ही हम हमारे प्रीस्ट आस्था को बोलते हैं कि आस्था मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस से आ गए, मैंने वैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हें ये लोग डेविल बोल रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस बात पे नहीं मानता है क्योंकि हमें पता है कि तुम और यूनो हमारे विलेज के हीरोज हो और हम सारे के सारे विलेजर्स तुम्हें एक हीरो ही मानते हैं, तो तुम इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फिर ऐसे ही आस्था और यूनो दोनों ही एक हफ्ता अपना छुट्टी मनाते हैं विलेज में और सबके साथ मजा करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था वापस से अपने बेस पे होता है और वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, और ऐसे ही सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग वहां पे उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमारी चामी सबको खाना खिला रही होती है। इतने में यहाँ पे इनके डोर पे ठक ठक होता है और वापस से हमारा मैग्ना जाके देखता है कि असल में डोर पे कौन है। तभी ही हमारी बड़ी बहन गोलन ये डोर तोड़ के अंदर घुस जाती है और मैग्ना के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तुम सबको लेके जाने के लिए, तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए। वो आस्था को पकड़ती है, मैग्ना को पकड़ती है, नोवेल को पकड़ती है, लक को पकड़ती है, चामी को पकड़ती है, हमारे जोकर बॉय को पकड़ती है, ऐसी वो जो भी लोग यहाँ पे होते हैं उन सबको पकड़ के लेके जाती है ट्रेनिंग करवाने के लिए, और वो इन सबको वापस से लेके जाती है उसी वॉल्केनो वाले एरिया में। यहाँ पहुंचने के बाद हमारे नए लोग बोलते हैं कि अरे ये एरिया बहुत गर्म है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो हमारी बड़ी बहन गोलन बोलती है कि यहाँ पे होगा तुम्हारा ट्रेनिंग। मीनवाइल इनके पीछे होते हैं क्रिमजन लायन के सारे बंदे लोग। यहाँ पे होता है हमारा लायन बॉय और तो और लियो। ये खेल लोग आस्था से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई आज हमारी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट होने वाली है। तो आस्था को देख के वाइस कैप्टन बोलता है कि आस्था मुझे माफ कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं एल्फ बन गया था और मैंने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट की थी। तो आस्था बोलता है अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपने नहीं किया था, आपके ऊपर एल्फ ने ये सब कराया था, तो आप टेंशन मत लो। फिर इसके बाद हमारा लायन बॉय बोलता है कि हम सबको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है और स्ट्रांग बनना है ताकि हम लोग प्रूफ कर पाए कि हमारा दोस्त आस्था एकदम से इनोसेंट है। फिर आस्था खुश होता है और वो बोलता है ठीक है मुझे पता कि हम लोग को इस माउंटेन को क्लाइंब करना है और ऊपर जाना है ना। तभी बड़ी बहन गोलन उसको पकड़ती है और बोलती है नहीं नहीं नहीं, इस बार हम लोग जाएंगे अंडरग्राउंड केव में जो कि वॉल्केनो के अंदर है, इस बार तुम्हारा ट्रेनिंग अलग से होने वाला है। इस अंडरग्राउंड केव के अंदर भी एक और हॉट स्प्रिंग है जिसके पास तुम्हें पहुंचना है। वो बोलती है कि अंडरग्राउंड वाले एरिया में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुम लोग को तुम्हारे माना स्किन को एकदम कॉन्स्टेंटली ऑन करके रखना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा माना स्किन एक मिली सेकंड के लिए भी खत्म हुआ तो तुम लोग जल के खत्म हो जाओगे, तो तुम लोग के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये सुन के हमारी चामी एकदम टेंशन में आ जाती है और बोलती है हम लोग यहाँ पे क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग किसी ऐसे जगह ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पे केक होए, मीठी मीठी चीजें होए। तो ये सुन के बड़ी बहन गोलन बोलती नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ट्रेनिंग यहीं पे होने वाली है। फिर हमारे लायन बॉय सब लोग को एक मैजिकल क्रश देते हैं जिन लोगों ने पहली बार यहाँ पे एंट्री ली होती है, जिन लोगों के पास माना स्किन को यूज करने की एबिलिटी अब तक नहीं होती है, तो बोलते हैं कि तुम लोग ये क्रश की मदद से माना स्किन आराम से यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये लोग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं। आस्था अपने स्वॉर्ड को पकड़ के ध्यान लगा रहा होता है ताकि वो उसके डबल फॉर्म में आ जाए। मीनवाइल मैग्ना और लक अपने में ही बिजी रहते हैं और हमारी नोवेल ध्यान लगा के अपना माना स्किन एक्टिवेट करती है। ऐसे ही सब लोग अपना अपना माना स्किन एक्टिवेट करते हैं और रेडी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उतने में हमें दिखाते हैं कि आस्था और तो और लियो दोनों ही भाग भाग के तेज भाग रहे होते हैं क्योंकि उन लोग को फर्स्ट आना होता है, और हमारी नेरो अपना माना स्किन यूज करके उनके ऊपर बैठी हुई होती है। उनके पीछे होती है नोवेल और उन दोनों के पीछे होता है मैग्ना और तो और लक, और चामी और हमारा जोकर बॉय दोनों ही पीछे खड़े होते हैं। तो चामी यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रही होती है, तभी हमारी बड़ी बहन गोलन बोलती है कि अगर तुम्हें भागना है तो भागो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस जगह पे बहुत सारे अननोन क्रिएचर्स हैं जो एकदम अच्छा टेस्ट करते हैं खाने में। तो ये सुनेगा चामी बोलती अच्छा तो अब मैं फायर डपो में जाके इन लोगों को पकड़ूंगी और इनको खाऊंगी डेफिनेटली। फिर इसके साथ चामी और हमारा जोकर बॉय दोनों ही रेडी होते हैं अंदर घुसने के लिए। मीनवाइल हमारी बड़ी बहन गोलन और लायन बॉय दोनों ही बाहर खड़े होते हैं और इन लोगों को देख रहे होते हैं।
तो आस्था और तो और लियो ये दोनों सबसे पहले भाग रहे होते हैं और बहुत शोर कर रहे होते हैं। मीनवाइल इनके पीछे नोवेल होती है और वो बोलती है क्या तुम लोग शांत हो सकते हो, लेकिन ये लोग नोवेल की बात नहीं सुनते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि मैग्ना और लक दोनों ही नीचे जाने की जगह पे ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि लक को फील होता है कि ऊपर एक पावरफुल एनिमी है तो वो उसके पास मैग्ना को लेके जा रहा होता है, लेकिन वो बार बार मैग्ना के मुंह पे पत्थर फेंक रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी चामी और तो और जोकर बॉय दोनों ही एक पॉइजन के पूल के पास खड़े होते हैं और चामी उसके अंदर मछली पकड़ रही होती है, लेकिन ये मछली उसके हाथ में नहीं आती है। लेकिन तभी ही एक बड़ी सी मछली चामी को पकड़ के अंदर खींच रही होती है, तो हमारा जोकर बॉय चामी का पैर पकड़ के उसको रोक रहा होता है अंदर घुसने से, और वो बोल रहा होता है कि चामी तुम वो जाल को छोड़ दो वरना हम लोग अंदर खींच जाएंगे। और ये असल में जो अंदर होता है वो होता है एक बहुत बड़ा सा मकड़ी। और तभी यहाँ पे लक और तो और मैग्ना आ जाते हैं और वो चामी और हमारे जोकर बॉय को बचा लेते हैं, लेकिन तभी ही चामी इन लोग के ऊपर हमला करते बोले तुम लोग की वजह से मेरी मछली भाग गई, तुम लोग क्या कर रहे थे। और इस सीन में चामी बहुत ही क्यूट दिखती है क्योंकि वो एकदम गुस्से में होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा आस्था और तो और लियो दोनों ही एकदम से थक चुके होते हैं और वो लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे होते, तो इस बात का फायदा उठा के हमारी नोवेल अपना वाटर मैजिक अपने पैर पे यूज करती है और जूते बना के एकदम फास्ट फास्ट भागने लगती है। तो नोवेल को तेज देख के इन दोनों को और गुस्सा आता है, ये लोग नोवेल का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। तभी नोवेल भाग रही होती है और वो जब अपने पीछे देखती है तो उसको आस्था दिखता है, और उसको आस्था इस वक्त स्विम सूट में दिखता है और उसको ऐसा लगता है कि आस्था उसके तरफ प्यार से भाग के आ रहा है और बोल रहा है नोवेल चलो हम साथ में जाके स्विमिंग करें। और नोवेल को लगता है कि शायद से ये एक मजाक है, लेकिन वो वापस भी देखती है तो उसको वापस से आस्था स्विम सूट में दिखता है, तो नोवेल से कंट्रोल ही नहीं होता, वो बोलती है सब क्या हो रहा है। और तभी असली आस्था नोवेल के सामने आता है, तो नोवेल उसके ऊपर अपना वाटर मैजिक मारती है उसको दूर करने के लिए। इतने में हमें दिखाया था कि नोवेल आस्था के ऊपर वाटर मैजिक मार के एक दूसरे कोने में घुस जाती है और बोलती है चलो अच्छा है मैं आस्था से दूर पहुंचे, तो तभी नोवेल के सामने वो मकड़ी आ जाती है और वो नोवेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पे नोवेल एकदम बुरी तरह से फंस चुकी होती है, तभी आस्था यहाँ पे आता है और वो नोवेल को बचा लेता है और बोलता है ये अजीब सा मॉन्स्टर क्या है, ऐसा बोल के वो मकड़ी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन मकड़ी हर जगह पे अपना जाल मार मार के आस्था को आसपास आने नहीं देती है और आस्था को पकड़ के जमीन पे ठोकने लगता है ये मकड़ी। उतने में नोवेल अपना सी ड्रैगन यूज करके मकड़ी के ऊपर हमला करती है, तभी लियो यहाँ पे आता है और वो अपना फ्लेम मैजिक यूज करता है मकड़ी के ऊपर, तो मकड़ी लियो का फ्लेम मैजिक खा के पीछे होने लगती है और वो वहां से भाग जाती है। तभी यहाँ पे बड़ी बहन गोलन और तो और लायन बॉय आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तो तुम लोग ने वो मकड़ी को देख लिया, वेल वो मकड़ी ही मेन रीजन है कि मैं तुम लोग को यहाँ पे भेजा था, वो मकड़ी यहाँ पे आके यहाँ के सारे क्रिएचर्स को खा रही है, तो मेरा प्लान था कि मैं उस मकड़ी को पकड़ू और उसको खत्म कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मकड़ी के अंदर मैन मेड माना है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि जब भी उसके सामने उससे पावरफुल बंदा आता है तो वो वहां से भाग जाती है, इसलिए मैं उसको आज तक कभी पकड़ नहीं पाई, तो मैंने ये सोचा कि मैं तुम लोग को यहाँ भेजूंगी, मकड़ी तुम लोग पे हमला करेगी और पीछे से आके मैं वो मकड़ी को पकड़ लूंगी, लेकिन वो वापस से भाग गई, लियो तुम तो एकदम यूजलेस हो चुके हो। तभी ही हमारा लायन बॉय अपने सैलामेंडर को बोलता है सैलामेंडर तुम यहाँ पे फायर मैजिक मारो, तो सैलामेंडर जैसे ही वहां फायर मैजिक मारता है जहां पे वो मकड़ी घुसी होती है तो हमें दिखता है कि वहां पे असल में एक डंजन होता है। फिर कुछ समय बाद हमारे सारे के सारे मैजिक नाइट्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं और इन लोग के ऊपर हमारी बड़ी बहन गोलन भड़कने लगती है, बोलते तुम लोग बहुत स्लो हो, इतना लेट कैसे आए तुम लोग। फिर इसके बाद चामी सब लोग के लिए खाना बनाती है और सब लोग को खाना देती है, सब लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं और एकदम खुश होते हैं और अपने माना को वापस से वो लोग अपने अंदर कलेक्ट कर रहे होते हैं। मीनवाइल लियो जाता है बड़ी बहन गोलन के पास और बोलता है कि बड़ी बहन गोलन तुम मुझे प्लीज डंजन के अंदर घुसने दो क्योंकि मेरे वजह से वो स्पाइडर भाग गया। तो बड़ी बहन गोलन दो तीन मुक्का मारती है लियो को और बोलती है लियो तुम्हारे वजह से वो स्पाइडर कैसे भागा, तुम्हें जाके उसे पकड़ना पड़ेगा, चलो घुसो ये डंजन के अंदर और जाके उसको ढूंढ के लेके आओ। इतने में हमें दिखाते हैं कि हमारे लायन बॉय ने बात कर लिया होता है मशरूम बॉय से और मशरूम बॉय उनको बताते हैं महोदय की मदद से कि ये जो डंजन है इसके अंदर एक स्पेशल एंशिएंट मैजिक आइटम है, तो इन लोग का मिशन ये है कि इन लोग को डंजन के अंदर जाना है, वो मकड़ी को मारना है और वो स्पेशल एंशिएंट आइटम को रिट्रीव करके लेके आना है। तो महोदय बोलती है प्लीज मुझे भी जाने दो मशरूम बॉय इनके साथ, लेकिन मशरूम बॉय बोलते हैं कि नहीं नहीं महोदय आप नहीं जा सकते क्योंकि किसी को भी आपके असली सच के बारे में इस वक्त नहीं पता है कि आप एक छोटे बच्चे बन गए हो। तो उसके बाद हमारा लायन बॉय और बड़ी बहन गोलन बोलते हैं कि ठीक है तो पहले हम लोग फर्स्ट स्क्वाड को भेजेंगे, वो लोग अंदर घुसेंगे और हर एक चीज चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड स्क्वाड जाएगा। तो पहले स्क्वाड में होते हैं लक, मैग्ना, नोवेल, आस्था, लियो और तो और हमारा रैंडी ऑटन जो कि होता है लायन बॉय की टीम का वाइस कैप्टन। फिर जैसे ये लोग डंजन के अंदर पहुंचते तो ये लोग देखते हैं कि डंजन के अंदर मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ का हीट हद से ज्यादा होता है, तो ये लोग बोलते हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तभी आस्था एक कदम रखता है और वहां पे एक मैजिक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो आस्था के ऊपर हमला करने लगता है, तो आस्था उसको रोक देता है ट्रैप को। उसके बाद कोई और बंदा एक स्टेप रखता है और वापस से एक और ट्रैप एक्टिवेट होता है, तो हमारा रैंडी ऑटन बोलता है रुको तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसा बोल के रैंडी ऑटन अपना अटैक मारता है और वो सारे के सारे ट्रैप्स को विजिबल कर देता है, बोलता है कि मैंने ऐसा अटैक मारा जिसके वजह से ये सब सारे के सारे ट्रैप्स हम लोग को दिख रहे हैं, तो हम लोग इन ट्रैप्स को डॉज करके यहां से भाग सकते हैं। तो हमारा लक इन सारे के सारे ट्रैप्स के ऊपर जब मार मार के भागने लगता है और मैग्ना के ऊपर इन सब ट्रैप्स को एक्टिवेट करता रहता है। फिर मैग्ना और लक वो लोग लेफ्ट वाले डंजन के अंदर घुस जाते हैं, आस्था और नोवेल राइट वाले डंजन के अंदर घुसते हैं और रैंडी ऑटन और तो और लियो ये लोग मिडल वाले डंजन के अंदर घुसते हैं और ये लोग सब लोग रेस लगाते हैं कि कौन सा बंदा
पहले जाके वो मैजिक आइटम को रिट्रीव कर पाएगा। फिर ऐसे ये लोग अंदर भागते रहते, तभी हमारा रैंडी ऑर्टन हमारे लियो को बोलता है कि सर मुझे याद आ रहा है कि कैसे आपने मुझसे फाइट किया था जब मैं वो एल्फ वाले फॉर्म में था, तब से मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप हमारे अगले कैप्टन बनने वाले हो। ऐसे ये लोग बात करते रहते। मीनवेल हमें दिखाते कि आस्था के ऊपर बहुत सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए होते हैं, तो आस्था उन सबको अपने मैजिक से रोक रहा होता है और नोवेल भी आस्था की हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रैप्स आस्था और नोवेल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो ये लोग अंदर अंदर घुसते रहते हैं और इन सब ट्रैप्स को रोक रहे होते हैं। तभी नोवेल आस्था को बोलती है कि आस्था मुझे यहाँ पे भागने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आस्था बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेरे पीठ पे कैरी करूंगा। तो नोवेल बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को कैरी नहीं करने दे सकती हूँ। तो आस्था नोवेल को प्रिंसेस वाले फॉर्म में गोद में उठाता है और उसको कैरी करके भागने लगता है वहां से, क्योंकि इन लोग के पीछे लावा की लहर आ रही होती है जिससे बचते हुए आस्था नोवेल को लेकर भाग रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा लियो और तो और रैंडी ऑर्टन ये दोनों पहुंच जाते हैं डंजन के एंड पे और वहां पे उनको एक बहुत बड़ा सा डोर दिखता है। और तभी यहां पे वो बिग बॉय मकड़ी आती है और वो इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद बिग बॉय मकड़ी हवा में हमला करती है और मल्टीपल मकड़ी वाले गोलम को समन करती है, तो हमारा लियो अपने फायर मैजिक को यूज करता है इन लोग के ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और नोवेल ये लोग डंजन से बाहर पहुंच जाते हैं और ये लोग फेल हो गए होते हैं अंदर घुसने में। इनके साथ मैग्ना और लक भी होते हैं और यहाँ पे ये लोग मस्त चामी का खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लक के हाथ में वो अजीब सा ट्रेजर चेस्ट होता है जिसके पैर होते हैं, तो लक ये ट्रेजर चेस्ट को खोलता है और इसके अंदर इस चेस्ट के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ये एकदम अजीब वाला सीन होता है भाई। उसके बाद बड़ी बहन गोलन बोलती है कि लगता है कि लियो और रैंडी ऑर्टन ये लोग राइट डंजन के अंदर थे। फिर यहाँ हमें दिखाते हैं कि लियो और रैंडी ऑर्टन अपने मैजिक को कंबाइन करके इन सब गोलम के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। फिर लियो भाग के जाता है और ये गोलम के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अटैक से गोलम को कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद गोलम अटैक करता है लियो के ऊपर, तो लियो को बचाने के लिए हमारा रैंडी ऑर्टन खुद को कुर्बान कर देता है और उसके ऊपर स्पाइडर ने उसका स्टिकी मैजिक मार दिया होता है। तो तब लियो को याद आता है वापस से फ्लैशबैक कि कैसे जब उनके ऊपर रैंडी ऑर्टन हमला कर रहा था तो कैसे सारे के सारे नाइट्स ने उसको बचाया था। तो तब लियो बोलता है क्या मैं इतना इनकॉम्पिटेंट हूं और इतना यूजलेस हूं कि मैं मेरे टीममेट्स को बचा नहीं सकता। ऐसा बोल के लियो अपने ट्रेनिंग वाले फॉर्म में वापस से आता है और वो खुद को चार्ज अप करता है। मीनवेल हमें दिखाया था यहाँ पे हमारे ब्लैक बुल्स के लोगों ने भी एंट्री ले ली होती और वो सब मिलकर यहाँ पे एक एक करके हमला करके इन सब गोलम्स के ऊपर हमला करते रहते हैं। मैग्ना और लक अपने अटैक से गोलम के ऊपर हमला करते हैं, हमारी नोवेल अपने ड्रैगन को समन करती है, आस्था अपने एंटी मैजिक से हमला करता है, हमारा जोकर बॉय अपने पॉइजन कर्स वाले मैजिक से हमला करता है और चामी अपने शीप के ऊपर बैठ के हमला करती है इन सब गोलम्स के ऊपर। फिर आस्था रेडी होता है इन सब गोलम से लड़ने के, लेकिन तभी हमारा लियो बोलता है कि आस्था इन लोग को मुझे संभालने दो। उसके बाद लियो अपने माना को फोकस करता है और उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो आसपास के एरिया की माना को वापस से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये असल में माना जोन वाली एबिलिटी नहीं होती, ये दूसरी वाली एबिलिटी होती है। फिर लियो अपना पूरा माना समन करता है और उससे बहुत सारा फायर वाला मैजिक मारता है यहाँ पे और ये सिंगल अटैक में वो सारे के सारे गोलम्स और तो और ये बड़े वाले मकड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये मकड़ी एक छोटे से मकड़ी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से वो मैजिक आइटम को लेके बाहर जाते हैं और सब लोग एकदम से खुश होते हैं। तभी हमारी हीलिंग गर्ल लियो को हील कर रही होती है, उतने में हमारी बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आती है और बोलती है चलो तुम लोग अपना झगड़ा बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैजिक आइटम कहाँ पे है। तो आशा जब वो मैजिक आइटम बड़ी बहन गोलन को देता है तो वो बोलती है अबे ये गार्बेज क्या है, तुम लोग को पता भी है कि तुम लोग ने क्या किया, तुम लोगों ने वो मैजिक आइटम को जला दिया, इतना भी तुमको अक्कल नहीं है, तुम सब गधे हो, चलो फटाक से तुम लोग अंदर जाओ और वहां पे जाके पूरे के पूरे डंजन को छान मारो और मेरे लिए मैजिक आइटम ढूंढ के लेके आओ। तो आस्था और तो और लियो दोनों ही जाते हैं अंदर मैजिक आइटम को ढूंढने के लिए। मीनवेल हमारे बाकी सारे के सारे लोग ये हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। चामी यहाँ पे कोई तो जूस बना के लाई होती है जो कि वो हमारे नेरो को दे रही होती है, लेकिन नेरो वो जूस को इग्नोर मारती है और नोवेल हमारी बड़ी बहन गोलन के साथ नहा रही होती है और वो उनसे बात करती रहती है। तभी बड़ी बहन गोलन बोलती है कि नोवेल तुम बहुत ज्यादा ही इंप्रूव हो चुकी हो, तुम्हारे मॉम के जैसे दिखने लगी थी मुझे पिछले वाले फाइट में जब तुमने तुम्हारा वैल्करी आर्मर यूज किया था, तुम एकदम तुम्हारे मॉम के जैसी लगती हो अभी। तो ये सुनकर नोवेल को बहुत खुशी होती है। उसके बाद बड़ी बहन गोलन बोलती है भाई तुम्हें तुम्हारे मॉम के बारे में और चीजें बताऊंगी लेकिन कुछ समय बाद। मीनवेल हमें दिखाता है कि बॉयज के साइड पे सारे के सारे बॉयज मस्त नहा रहे होते हैं और हमारा लायन बॉय इन सबको हॉट स्प्रिंग के अंदर बड़ी सी स्पीच दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग को इस हॉट स्प्रिंग में लंबे टाइम तक रहना है ताकि तुम लोग की बॉडी और इंप्रूव हो सके, ऐसे करके वो इन लोग को स्पीच दे रहा होता है और हमारे सारे के सारे बॉयज की यहाँ पे हालत खराब होती है। मीनवेल हमारा जोकर बॉय कोने में नहा रहा होता है। फिर उसके बाद आस्था और लियो दोनों ही डंजन के बाहर आते हैं और इन लोगों को कुछ नहीं मिला होता है। ऐसे ये लोग वापस से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं चामी के बड़े से कॉटन के ऊपर बैठ के। तभी आस्था नोवेल को बोलता है कि नोवेल तुम्हारी स्किन तो बहुत स्मूथ लग रही, लगता है वो हॉट स्प्रिंग बहुत काम का था। फिर इसके बाद जैसे ही ये लोग इनके बेस के पास पहुंचते हैं तो हमारा मैग्ना डोर के पास खड़ा होकर बोलता है कि भाई ये ट्रेनिंग तो बहुत खतरनाक थी, मैं वापस से बड़ी बहन गोलन से नहीं मिलना चाहता हूं कुछ टाइम के लिए। लेकिन तभी ही बड़ी बहन गोलन इनके बेस के अंदर से निकलती है डोर तोड़ के, वापस से वो मैग्ना के ऊपर डोर तोड़ती है और बोलती है तुम लोग इतना लेट हो, चलो हमें वापस से ट्रेनिंग करनी है।
फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो अंडर वाटर टेम्पल होता है वहां पे असल में दो तीन मॉन्स्टर लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं हमारे सबके सब प्रीस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे डांसिंग बॉय और डांसिंग गर्ल आई मीन सिंगिंग गर्ल दोनों ही यहाँ से अपनी जान बचा के भागते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है अगले सीन में कि हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग भी इसी एरिया में आए हुए रहते हैं और वो लोग यहाँ पे असल में चिल करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं। मीनवाइल हमारे नोवेल एक पत्थर पे खड़ी होकर वाटर का टोर्नेडो बना के उसको सेपरेट कर रही होती है अपने माना से, लेकिन वो बोलती कि मैं मेरे मैजिक को अभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे में कैसे अपनी ट्रेनिंग पूरा करूंगी। तभी उसको पानी के अंदर सुनाई देता है कि कोई तो गाना गा रहा है और उसको उसकी मॉम की याद आती है। तो वो बोलती कि मुझे मेरी मॉम की याद क्यों आ रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बॉयज यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे भाई अगर हम लोग तेज तेज नहीं भागेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी और अगर हमारी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी तो हमारा मैजिक पावर भी अच्छे से इंप्रूव नहीं होगा क्योंकि फिनरल की यहाँ पे हवा टाइट हो चुकी होती है। तो आस्था बोलते तुम्हें तुम्हारी बॉडी मेरे जैसी बनानी पड़ेगी और हमें हमारी बॉडी को यामी के जैसे बनाना है। ऐसा बोल के वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो लोग जोरो के ट्रैप में गिर जाते हैं। तभी जोरो यहाँ पे आता और बोलता है तुम लोग कितने ही यूजलेस हो यार, तुम लोग हमेशा मेरे ट्रैप में गिरते रहते हो, मैं तुम लोग का क्या करूं। ऐसा बोल के जोरो इनके ऊपर हंस के वहां से निकल लेता है और फिर हमारा लक इन लोग के ऊपर मिट्टी डाल के इन लोग को बरी कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी वैनिसा और तो और हमारी ग्रे ये दोनों ही स्विम सूट पहन के अपने आप को एक अजीब से पोज में खड़ा करके रखते हैं और अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा जोकर बॉय और तो और गाची दोनों ही वापस से अपने जलेबी वाले चश्मा पहन के पढ़ाई कर रहे होते हैं मसल्स के बारे में और वो लोग खुद की बॉडी बनाने के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि इस वक्त सब लोग अपने फिजिकल फॉर्म पे फोकस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जोकर बॉय गाची के ऊपर सनस्क्रीन लगाता है जो कि बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे नेरो हमारे बाल वाले बाप भावा से जूस लेके जाके दे रही होती है ये यामी को। तब तक हमारी चामी फटाक से उसके बर्तन बजा के बोलती है कि गाइस खाना बन चुका है, तुम लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। तो सब लोग जाके मजे से खाना खाते हैं और नोवेल आस्था के बगल में रहती है और खाना खाते हुए ब्लश कर रही होती है क्योंकि आस्था ने इस वक्त अपना शर्ट नहीं पहना होता है। तभी अचानक से नोवेल को वापस से वही आवाज सुनाई देती है तो नोवेल उसके रूम से बाहर निकल के भाग के जाती है और देखती है कि आवाज कहां से आ रही है। तो आस्था उसका पीछा करता रहता है तो नोवेल वापस से पानी के पास पहुंचते हुए बोलती है आस्था क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है। तो आस्था और नोवेल दोनों ही उनका ध्यान लगाते हैं तो तभी यहां पे पानी में से हमारा डांसिंग बॉय और तो और गल दोनों ही बाहर आते हैं और बोलते हैं अरे नोवेल आस्था तुम लोग को यहाँ पे देख के हमें अच्छा लगा क्योंकि हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे, हम लोग को तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज अंडर वाटर टेम्पल के अंदर होते हैं और यहाँ पे होती है हमारे डांसिंग बॉय और तो और सिंगिंग गर्ल और उनके साथ ये अजीब से बाल वाले बुढ़ऊ बाबा भी होते हैं। ये लोग इनको बताते हैं कि असल में सारे के सारे सी क्रीचर्स गुस्सा हो रहे हैं और इन लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं और इनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद से माना एकदम चेंज हो चुका है पानी के अंदर इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि पानी के अंदर जो सी गार्डियन है उन लोग के पास इन लोग को जाके गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा ताकि वो सी गार्डन शांत हो जाए, ये इनका प्लान है। तो यामी बोलता है कि मैं तुम लोग के इस प्लान के ऊपर भरोसा कैसे करूं, क्या तुम लोग को 100% श्योर है कि अगर तुम लोग गाना गाओगे और डांस करोगे तो तुम्हारा ये सी क्रीचर जो कि तुम्हारा सी गार्डियन है वो शांत हो जाएगा, अगर वो शांत नहीं हुआ तो मैं मेरी टीम के मेंबर्स को तुम लोग के ऐसे ये अजम्पशन के ऊपर नहीं भेज सकता हूं क्योंकि मुझे उन लोग को उनकी ट्रेनिंग करानी है जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में से एक है। तो ये सुन के नोवेल बोलती है कि सर मैं इन लोग के साथ जाना चाहती हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग गलत चीज नहीं बोल रहे हैं। तो नोवेल की बात सुन के डांसिंग बॉय और तो और सिंगिंग गर्ल दोनों ही बोलते कि हम लोग आपसे वादा करते कि हमारे इस गाना गाने के बाद से क्या लोग एकदम से ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो इन लोग की बात सुन के यामी बोलता है ठीक है चलेगा, मैं मेरे टीम मेंबर्स को भेजता हूँ यहाँ पे। तभी ही नोवेल बोलती कि मैं मेरे जो वाटर वाला ऑब है उसको एकदम कॉम्पैक्ट बना दूंगी ताकि हम लोग आसानी से ये नो वर्ल्ड वाले जगह पे जा सके और अंदर एकदम डेप्थ में जाके देख सके क्या है। तो बोलती कि मैं मेरे साथ सिर्फ तीन लोग को लेकर जा सकती हूँ, तो उसमें से एक तो डांसिंग बॉय हो गया, एक सिंगिंग गर्ल हो गई, एक तो मैं खुद हो गई, तो चौथा बंदा कौन होगा। तो आशा बोलता है कि चौथा बंदा मुझे बनना है, लक बोलता है कि उसको बनना है, मैग्ना बोलता है कि उसको बनना है, ऐसे करके सब लोग बोलते हैं कि उन लोग को चौथा बंदा बनना है, लेकिन यामी बोलता है कि नहीं नहीं तुम लोग में से कोई भी चौथा बंदा नहीं बनेगा, चौथा बंदा बनेगा फिनरल ताकि अगर कुछ हुआ तो ये चारों के चारों लोग वहां से टेलीपोर्ट करके यहां पे तुरंत आ सके। फिर ऐसे ही हम लोग को दिखाते हैं ये चारों के चारों लोग नोवेल के मैजिक के अंदर बैठ के वो डेप्थ के अंदर जा रहे होते हैं। तभी इन लोग को दिखता है कि वहां पे बहुत सारे अजीब से मछली वाले मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ये सब मॉन्स्टर्स एकदम से खतरनाक दिखते हैं। तो हमारे हीरोज बोलते हैं कि इन लोगों ने ऐसे मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे हैं, ये मॉन्स्टर इनके ऊपर धड़ाधड़ हमला करते हैं और वो लोग नोवेल के बबल को फोड़ने लगते हैं। तो तभी हमारी सिंगिंग गर्ल अपना मैजिक यूज करती है और वो इन लोग के ऊपर हमला करती है और वो डांसिंग बॉय दोनों ही नोवेल के बबल से बाहर निकल के इन सब मॉन्स्टर पे हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मछली वाले मॉन्स्टर होते हैं और ये लोग उन लोग को नहीं रोक पाते हैं। तभी नोवेल का बबल फूटने लगता है तो नोवेल बोलती है कि एक काम करो फिनरल तुम यहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाओ। तो फिनरल बोलता है नहीं नहीं नोवेल तुम यहाँ से अंदर घुसो और इन लोग के ऊपर हमला करो, मैं तब तक इन लोग को संभालता हूँ। तो नोवेल उसके पानी के बबल से बाहर निकलती है और वो बेहोश होने लगती है क्योंकि वो डूब रही होती है। तभी उसको उसकी मॉम की
या याद आती है और उसके पास उसका पावर आ जाता है और वो सब लोग को मल्टीपल छोटे छोटे पानी के बबल में कन्वर्ट कर देती है और वो लोग वहां पे सेफ होते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे मॉन्स्टर इन लोग के ऊपर इनके बबल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो नोवेल इन लोग को लेके जाती है अंदर ही अंदर। तभी ये लोग जैसे थोड़ा डेप्थ के पास पहुंचे तो ये लोग देखते हैं कि वहां पे एक और मॉन्स्टर होता है जो कि होता है क्रैकन। क्रैकन को देख के सारे के सारे मछली वाले मॉन्स्टर भाग जाते हैं और क्रैकन इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तभी हमें हमारी सिंगिंग गर्ल बोलती है क्रैकन जो है वो असल में ये सी का प्रोटेक्टर है, तो वो यहाँ पे सारे के सारे सी के क्रिएचर्स को बचा रहा होता है हम लोग से। तो मुझे लग रहा है कि क्रैकन हम लोग पे हमला करेगा, तो क्रैकन इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तभी फिनरल क्रैकन के जो टेंटिकल्स होते हैं उसको टेलीपोर्ट कर देता है हमारे ब्लैक बुल्स के पास और एक टेंटिकल पटक से पड़ता है चामी के ऊपर, तो चामी उसको खाने की कोशिश करती है। मीनवेल हमारी नोवेल अपने वैल्करी आर्मर में आती है और वो लड़ने के लिए रेडी होती है क्रैकन से। वो क्रैकन पे हमला करती है लेकिन क्रैकन के ऊपर कोई इतना असर नहीं होता है। फिर उसके बाद नोवेल अपना खतरनाक मूव मारती है क्रैकन के आंख में और क्रैकन वहीं पे हार जाता है। फिर उसके बाद ये चारों लोग एकदम से दख्त के पास पहुंचते हैं, तो वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचते देखते हैं यहाँ पे तो एक टाइप का सिटी बना होता है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे सिटी जैसा एरिया कैसे बना हुआ है। तभी यहाँ पे सी गार्डियन बाहर निकल के आता है जो कि एकदम एक सील की तरह दिखता है और यहाँ पे उड़ता रहता है। तो सी गार्डियन को देख के लोग बोलते हैं कि इसके पास तो बहुत खतरनाक माना है। तभी हमारी सिंगिंग गर्ल गाना गाना स्टार्ट करते हो, डांसिंग बॉय अपना अजीब सा डांस स्टार्ट करता है। तो इनका गाना सुन के हमारा सी गार्डियन एकदम से खुश होता है और वो इनके गाने में झूम रहा होता है। तभी सी गार्डियन के फर में से निकलता है एक छोटा सा बच्चा। तो नोवेल बोलती है अच्छा लगता है सी गार्डियन अपने बच्चे को बचा रहा था इसीलिए यहाँ पे माना इतना डिस्टर्ब था। उसके बाद सी गार्डियन वहाँ पे एक लोरी गाने लगता है, तो वो लोरी सुनने का नोवेल को उसकी मॉम की याद आती है। तभी सी गार्डियन उड़ के आता है नोवेल के पास और नोवेल के सर पे अपना सर मारता है और तभी नोवेल को उसकी मॉम की थोड़ी फ्लैशबैक आती है। तब उसको मालूम पड़ता है कि असल में उसकी मॉम भी यहाँ पे आई थी, तो नोवेल थोड़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि अच्छा है कि मैं यहाँ पे आई। उसके बाद हर एक चीज ठीक होने लगता है और सारे जगह पे बहुत सारे बबल्स बाहर निकलने लगते हैं और ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल से मछलियों में और ऐसे ही हमारे हीरोज ने यहाँ पे इनका काम कर दिया। लेकिन नोवेल यहाँ पे रोने लगती है खुशी से। फिर उसके बाद ये लोग मस्त सरफेस पे आते हैं और सबको थैंक यू बोलते हैं और हमारी चामी इन सब मछलियों को खाते हुए बहुत खुश रहती है। तभी यामी जाता है फिनरल को पकड़ता और बोलता है फिनरल तुम्हें ये जगह याद है ना, ये वही जगह जहाँ पे तुमने फर्स्ट टाइम अपना रिजॉल्व लाया था और तुमने हमारे टीम को हेल्प की थी, देखो तुम कितने अच्छे बन चुके हो। तो फिनरल बोलता है हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद यामी फिनरल को पकड़ता और बोलता है अबे भाई तूने वो क्रैकन के टेंटिकल को हम लोग के ऊपर टेलीपोर्ट क्यों किया था, ऐसा बोल के वो फिनरल के ऊपर हमला करने लगता है। यामी फिनरल के ऊपर हमला करने लगता है। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे हीरोज वापस से अंदर घुसते हैं और वो लोग उनके ब्लैक बुल के बेस में बैठ के निकलने वाले होते हैं और इस सीन में हमारी नोवेल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी चामी ने सब लोग के लिए खाना बनाया होता है और इस सीन में चामी एकदम खतरनाक दिख रही होती है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा खाना बनाया जो खाने के बाद तुम लोग के अंदर एकदम से मैजिकल पावर बहुत सारा बढ़ जाएगी और तुम लोग का माना मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव हो जाएगा। तो ये खाना खाने के बाद लक मैगना ये दोनों एकदम से पावर में बर्स्ट होने लगते हैं और ये लोग हर जगह अटैक करने लगते हैं, यहाँ तक कि नोवेल भी अपना अटैक हर जगह मार रही होती है। फिर ये देख के चामी को लगता है कि शायद से उसने खाना अच्छे से नहीं बनाया और वो उदास हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि लगता है मुझे जाना पड़ेगा उस बंदे के पास। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चामी असल में गई होती है रॉयल कैपिटल में और वहां पे वो जाके उसी शेफ से मिलती है जिससे वो फर्स्ट टाइम मिली थी और उसने उसका खाना खाया था रॉयल कैपिटल में जब हमारे ऊपर आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था। चामी वहां पे जाके उसको बोलती है कि सर प्लीज आप मुझे आपका स्टूडेंट बनाइए, मुझे खाना बनाने है, एक ऐसा खाना बनाना है मुझे जिसको खाने के बाद मेरे दोस्त लोग की मैजिकल पावर मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव हो जाए। तो हमारे मास्टर उसको बोलते ठीक है चामी मैं तुम्हें मेरी स्टूडेंट ले लेता हूं लेकिन तुम्हें जाके मल्टीपल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो चामी मल्टीपल ट्रेनिंग्स करती है और वो जैसे तैसे करके खुद को इंप्रूव करती है। वो भागती रहती है, पैन को स्विंग करती है और बहुत सारी चीजें करती है। उसके बाद मास्टर उसको बोलते हैं तुम ये बुक पढ़ो और उसके साथ साथ तुम्हें 3 एकदम इनक्रेडिबल इंग्रेडिएंट्स लेके आने पड़ेंगे मेरे लिए। पहला इंग्रेडिएंट होता है ये अजीब सा दिखने वाला फ्रूट, ये फ्रूट नहीं है ये कोई वेजिटेबल या तो रूट टाइप की चीज है लेकिन ये एकदम अजीब सा है। तीसरी होती है एक अजीब सी मछली, ये असल में दूसरी चीज होती है। और तीसरी चीज होती है ये भालू का बाल, पता नहीं क्यों इसको उसका बाल चाहिए था। और ऐसे ही हमारे चामी इन सब चीजों को लेके आती है और वो पहुंच जाती है मास्टर के पास और बोलती है मास्टर मैं इन सबको लेके आ गई हूँ। उसके बाद चामी इन सारी चीजों से खाना बनाती है और हमारे हीरोज को खाना खिलाती है। तो हीरोज यहाँ पे बैठे हुए होते हैं खाना खाने के, तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग के साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ये देख के चामी एकदम उदास हो जाती है। तो आस्था बोलता है नहीं हम लोग को ये खाना खाना चाहिए क्योंकि चामी ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे चामी का मास्टर बैठा होता है, वो बोलता है प्लीज तुम लोग ये खाना खा लो। तो सब लोग बोलते हैं अरे तू कौन है। सब लोग खाना खाने के लिए रेडी होते ही कि तभी अचानक से ये खाना अपने आप बढ़ने लगता है और इन लोग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो फिनरल इन लोग को यहाँ से गायब करके कैसल के बाहर लेके जाता है। तभी यामी यहाँ पे आता है, बोलता तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है अरे हम लोग अंदर ही थे तभी अचानक से ऐसा वो बोलता है और उतने में उनका कैसल फटने लगता है। तो तभी यामी देखता है कि उसके अंदर से निकलता है ये डीमन फूड वाला मॉन्स्टर। तो ये लोग सोचने लगता है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। इतने में हमारा शेफ मास्टर बोलता है कि असल में चामी ने इतना माना भर दिया था इस खाना के अंदर कि ये मॉन्स्टर बन गया है, खाना ये मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया, तो अभी तुम्हें कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। तो सब लोग बोलते हैं अभी हम क्या करें। इतने में ये मॉन्स्टर फटाफट इन सबका माना खाने लगता है और ये सबके सब लोग वीक होने लगते हैं। तो आस्था बोलता है अभी हम क्या करें। तो यामी बोलता है ठीक है भाई अब मुझे ही इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा, ऐसा बोल
कि क्या मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता। तो आसा बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, मुझे पता कि मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के आसा भाग के जाता था ये मॉन्स्टर के पास और उसको खाने के लिए रेडी होता है। तभी यामी पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है सब, और हमारी चामी रोते रोते कहती है आस्था प्लीज तुम मेरे खाने को बचा लो। तो आस्था भाग के जाता है ये मॉन्स्टर के ऊपर, कूदता है और उसको खाना स्टार्ट करता है। जैसे ही आस्था इसको खाना स्टार्ट करता है तो इसमें से माना लीक होने लगता है और हमारे सारे हीरोज को माना वापस से मिलने लगता है। तो इतने में चामी भी जाती है और चामी भी इसको खाने लगती है। ऐसी आस्था और चामी इसको खा रहे होते हैं। मीनवाइल लक, मैग्ना और फिनरल ये तीनों भी भाग के जाते हैं और इसको खाना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे खाते खाते ये लोग पूरे के पूरे मॉन्स्टर को खा लेते हैं और एकदम से फूल जाते हैं और मोटू बन जाते हैं। उसके बाद आस्था बोलता है कि जब मैं ये खाना खा रहा था ना तो चामी मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर तुम्हारा वो खाने वाला प्यार नहीं था, इसके अंदर सिर्फ तुमने माना भरने वाली एबिलिटी डाल के रखी थी। तो चामी घूम के अपने मास्टर को बोलती है मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके मास्टर बोलते हैं चामी तुम्हारी ट्रेनिंग कल से वापस स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था नोवेल के साथ अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। मीनवाइल लक, मैग्ना और तो और वैनेसा ये तीनों लोग भी मिलकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और हमारा जोकर बॉय इन लोग को पीछे से देख रहा होता है। जोकर बॉय बोलता है कि आस्था तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो आस्था बोलता है ठीक है। तो जोकर बॉय अपनी सारी की सारी माना एक साथ छोड़ता है और आस्था जोकर बॉय के सबसे पावरफुल अटैक को एक सिंगल अटैक में तोड़ देता है। तो ये देख के जोकर बॉय बोलता है लगता है मैं बहुत वीक हो गया हूँ। ऐसा बोल के जोकर बॉय रात के टाइम पे इनके बेस को छोड़ के वहां से निकल जाता है। बोलता है कि मुझे बाहर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो एक चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम लोग मुझे ढूंढने के लिए मत आना। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। फिर वो जाता है एक जंगल में, जंगल में जाके वो बैठा रहता है अकेले ही। वो बोलता है यहाँ पे बड़ी बहन गोलन ने बहुत प्रैक्टिस की थी, तो अगर मैं भी ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहूं तो शायद से मैं भी एकदम से स्ट्रांग बन जाऊंगा। ऐसा बोल के वो आगे आगे निकलता रहता है। वो दो मिनट एक कोने में बैठता है, तभी वहां पे बंदर आते हैं और वो हमारे जोकर बॉय का बैग लेके भाग जाते हैं। उस बैग के अंदर जोकर बॉय का पूरे हफ्ते भर का राशन होता है। तो जोकर बॉय उनका पीछा करता है लेकिन उसको तीन दिन तक कोई कुछ नहीं मिलता और जोकर बॉय एकदम से दुबला पतला होने लगता है। तभी वो एक कोने में बैठ के थोड़ी बहुत मूंगफली खा रहा होता है और अकेला बैठा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो तभी हमारा जोकर बॉय लकड़ी पकड़ के उसमें से लकड़ी के डॉल बनाता है और वो उन सबके साथ खेलने लगता है। बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही है। इतने में एक वुल्फ आता है और वो जोकर बॉय के ऊपर हमला करता है। तो जोकर बॉय उससे बचता है और उसके ऊपर अपना पॉइजन मैजिक मारता है लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है वो वुल्फ के ऊपर। तो जोकर बॉय वहां से अपनी जान छुड़ा के भागता है। तो वो पानी के पास जाके अपना मुंह धोता है और बोलता है आह मुझे अच्छा पानी मिल गया पीने के लिए। फिर वो वापस से अपने दोस्तों के बारे में याद करता है और सोचता है काश मेरे दोस्त लोग यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि शायद से उसके दोस्त लोग उसको ढूंढ रहे होंगे और उसके लिए हर जगह पैनिक कर रहे होंगे। इतने में हमें दिखाते हैं कि वहां पे असल में वो वुल्फ का बड़ा वाला वुल्फ आ जाता है और वो जोकर बॉय के ऊपर हमला करता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो सच में एक पेपर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अरे हमें फटाक से भागना पड़ेगा और जाके ये चीज करनी पड़ेगी। तो जोकर बॉय अपना पॉइजन मैजिक मारता है इनके ऊपर लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है वुल्फ के ऊपर। तो जोकर बॉय को लगता है कि शायद वो खत्म होने वाला है यहाँ पे, लेकिन तभी जोकर बॉय को स्ट्राइक होता है कि उसको इससे दोस्ती करनी चाहिए। ऐसा बोल के जोकर बॉय जाता है और वुल्फ को पकड़ के उससे बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ये सुन के वुल्फ एकदम से ठीक हो जाते हैं और वो जोकर बॉय को गले लगाते हैं और एकदम से ठीक हो जाता है। फिर जोकर बॉय वुल्फ के साथ चलता है तो वुल्फ उसको बाहर जंगल के पहुंचाता है और उसको रास्ता दिखाता है। तब तक जोकर बॉय ने यहाँ पे वुल्फ का भी डॉल बना के वुल्फ के ऊपर रख दिया होता है और यहाँ पे बहुत सारे डॉल्स होते हैं इस वुल्फ के ऊपर। फिर ऐसे ही जोकर बॉय वापस से अपने घर पहुंचता है तो देखता है वहां पे कोई नहीं होता है। तो जोकर बॉय को लगता है कि सब लोग शायद से उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए हैं। तो जोकर बॉय अपने झाड़ू के ऊपर बैठता है और बाहर निकलता है उनको ढूंढने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाया था कि हमारे सब ब्लैक बुल्स के मेंबर असल में एक होटल में खाना खा रहे होते हैं और वहां पे वो लोग दबा के खाना खा रहे होते हैं क्योंकि इस होटल में 90% ऑफ होता है और यामी ने यही पेपर रीड किया होता है। उसको तो पता भी नहीं होता है कि जोकर बॉय वहां से गायब हो चुका है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जोरो की बैक स्टोरी, जहां पे वो उसके फादर को देख रहा होता है कि जब उसके फादर एक फूल वाले बंदे की हेल्प करते हैं तो उसके फादर को वो फूल वाला बंदा व्हाइट वाला फूल देता है। तो वो देख के वो पूछता है कि फादर आपको ये वाला फूल क्यों मिला है। तो उसके फादर बोलते हैं ये फूल मेरा सबसे फेवरेट वाला है, इसीलिए वो बंदे ने मुझे ये दिया क्योंकि मैंने उसकी एक बार हेल्प करी थी, तब से वो हर बार मुझे ये फूल देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जोरो ऐसे ही ब्लैक बुल्स के बेस से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कैसे वो अपने टीममेट से दूर होकर अपने आप को ट्रेन करने वाला है। तभी वो उसके फादर के ग्रेव के पास पहुंचता है और वहां पे देखता है तो वही व्हाइट वाले फूल होते हैं। तो वो बोलता है ये फूल यहाँ पे किसने रखा, मैं तो यहाँ पे खुद ये व्हाइट वाले फूल रखने वाला था, तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मेरे फादर की इतनी परवाह हो रही है। तभी वो देखता है कि बगल में एक बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने वाटर मैजिक के साथ और वो एक टारगेट के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो हमारा जोरो वहां पे खड़ा होकर उसको देखता रहता है लेकिन उसी वक्त वहां पे एक शाना बच्चा आता है और वो उसके ऊपर फायर मैजिक मारता है और ये वाला मैजिक हल्का सा वो बच्चे को मिस होकर उसके टारगेट पे लगता है। तभी ये जो फायर मैजिक वाला बंदा होता है इसके चमचे इसको बोलते हैं अरे सर आप तो बहुत ग्रेट हो, आप तो बहुत जल्दी रॉयल कैपिटल में सिलेक्ट हो जाओगे एज अ रॉयल नाइट, आपको तो बहुत अच्छे अच्छे ये मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं। तभी हमारा ये वाटर मैजिक वाला बच्चा बोलता है कि ओए मुझसे माफी मांग, तूने मेरे ऊपर हमला कैसे किया। तो फिर ये शाना बंदा बोलता है कि अरे तू तो एक पेजेंट है, मैं एक नोबल हूं, हम नोबल्स पेजेंट से माफी नहीं मांगते हैं, ये ले अगर तुझे कुछ नुकसान हुआ तो ये चंद पैसे रख ले और इससे अपने आप को ठीक कर ले। ऐसा बोल के ये यहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी ही हमारा ये वाटर मैजिक वाला बंदा बोलता है कि ओए हम पेजेंट्स लोग कमजोर नहीं है, पेजेंट्स लोग भी मैजिक नाइट बन सकते हैं और मेरे आइडल जो है वो है जारा, और जारा जो
जो होते हैं वो असल में जोरो के फादर का नाम होता है। वो बोलता है कि ज़ारा भी एक पेजेंट थे और फिर भी वो एक मैजिक नाइट बने थे। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग बात है, मैजिक नाइट्स पेजेंट भी बन सकते हैं। तो ये फायर वाला बंदा बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बता कि ज़ारा कौन से स्क्वाड में है और इस वक्त क्या कर रहा है। तो बोलता है कि ज़ारा असल में पर्पल वाले गैंग में थे और उनकी एक मिशन पे डेथ हो गई थी। तो ये सुनने के बाद हमारा फायर बंदा हंस के बोलता है कि देखा, क्योंकि वो कमजोर था, तुम पेजेंट्स को कभी रॉयल नाइट नहीं बनना चाहिए। तो ये सुनने के बाद हमारा आइस वाटर बॉय ये बंदे के ऊपर डायरेक्टली हमला करता है। फिर इस बंदे के जो चमचे होते हैं वो लोग अपने मैजिक से हमला करते हैं हमारे वाटर बॉय के ऊपर। लेकिन तभी ये फायर बॉय भी अपना मैजिक मारता है वाटर बॉय के ऊपर। उसी वक्त यहाँ पे जोरो आता है और वो इन लोग को रोक देता है। मीनवाइल हमारा वाटर बॉय पीछे खड़ा होकर कोई एक नया स्पेल यूज करता है और उससे एक खतरनाक वाटर मैजिक मारता है इन तीनों के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पे जोरो आता है और वो बोलता है कि ओए तेरे पास ग्रिमरो नहीं है तो तुझे इतना शाना नहीं बनना चाहिए इन लोग के सामने, और तू इन तीन लोग से झगड़ा क्यों कर रहा है जब तुझे पता है कि तू इनसे हारने वाला है। तो तभी यहाँ पे ये वाटर बॉय के फादर आते हैं और ये कोई और नहीं होते हैं, ये वही इंसान होते हैं जिनकी मदद हमारे जोरो के फादर ने की थी एक बार। तो ये बोलते हैं बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये इनका बेटा इसको बोलता है कि पापा तुम्हारी वजह से मैं इतना पेजेंट बन के रह गया हूँ, काश मैं किसी रॉयल वाले के फैमिली में पैदा हुआ होता तो मेरे मैजिक अच्छे होते, ऐसा बोल के यहाँ से गुस्से में निकल रहा होता है। तो हमारा जोरो इसको पकड़ के बोलता है कि तू ऐसी बातें नहीं कर सकता अपने फादर के साथ, समझा गया, तुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ऐसा बोल के जोरो इसको पकड़ के लेके जाता है और खुद के फादर के ग्रेव के पास रखता है और बोलता है कि देख जिस आदमी के बारे में तू बात कर रहा था वो भी एक पेजेंट ही था, लेकिन कभी उसने कंप्लेन नहीं किया कि वो पेजेंट क्यों पैदा हुआ है, उसने अपनी मेहनत की और तब जाके वो मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट हो गया था, तू भी ऐसा कर सकता है अगर तेरा गोल हो तो। वो बोलता है कि ज़ारा नाम का जो आदमी था वो मल्टीपल टाइम्स हारा था, वो मल्टीपल टाइम्स सिलेक्ट नहीं हुआ था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, तो तुझे भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, तुझे हमेशा हाई एम करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये वाटर बॉय ऐसे ही कुछ दिन के बाद अपने फील्ड में गार्डनिंग करता होता है। तभी वहां पे ये फायर बॉय आता है और बोलता है कि अब मैं तुझे हराऊंगा, तूने मेरे ऊपर अपना वाटर मैजिक कैसे मारा। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में फायर बॉय के पास एक मैजिक आइटम होता है, तो वो ये मैजिक आइटम को यूज करके अपना फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो अपने फायर मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसे ही वो एक बहुत बड़ा सा फायर मैजिक मारता है हमारे वाटर बॉय के ऊपर, लेकिन तभी जोरो वहां पे आता है और वो अपना ट्रैप मैजिक मार के इसके फायर मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बगल में फेंकता है उस बंदे के। तो उसका जो शोल्डर होता है उसके ऊपर हल्का सा आग लग जाता है वो फायर बॉय के। तो फायर बॉय वहां से वो मैजिक आइटम फेंक के भाग जाता है और बोलता है कि ये चीज तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा वाटर बॉय अपने फादर के साथ घर में खाना खा रहा होता है। तभी वहां पे फायर बॉय के फादर आते हैं और बोलते हैं कि तूने मेरे घर से चोरी की है, तूने मेरे घर से वो मैजिक आइटम चुरा है। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फायर बॉय के फादर हमारे वाटर बॉय के जेब में हाथ डालते और वहां से वो मैजिक आइटम निकालते और बोलते देख मुझे तेरे पास से मिला है। वाटर बॉय बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे बेटे ने फेंक दिया था, तो मैंने इसको उठा के अपने पास रखा ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो मैं उसे दे दूं। तो तभी ही फायर बॉय वहां पे आता और बोलता है नहीं नहीं फादर इसने ये चीज चोरी किया है, आपको तो पता है कि हमें पेजेंट की बात नहीं सुननी चाहिए। तो ये सुनने के बाद फायर बॉय के फादर हमारे वाटर बॉय को खींच के बाहर लेके जा रहे होते और बोलते अब मैं तुझे जेल में बंद करवाऊंगा। लेकिन तभी हमारे वाटर बॉय के फादर बाहर आते हैं और वो अपना ग्रिमरो निकाल के खतरनाक वाटर मैजिक मारते हैं इस बंदे के ऊपर, और ये बंदा वहीं पे अपना फायर मैजिक मारने लगता है वाटर बॉय के ऊपर। तो वाटर बॉय के फादर वापस से अपना वाटर मैजिक मार के इसके फायर मैजिक को रोकने लगते हैं और ये वाला सीन बहुत एपिक होता है। उसी बीच में जोरो वहां पे आता है और बोलता है कि तुम लोग ये सब रोक दो, ऐसा बोल कि वो अपने ऊपर से एक कपड़ा बाहर निकालता है और दिखाता है कि वो असल में ब्लैक बुल्स का मेंबर है। तो बोलता है कि मैंने हर एक चीज देखा है और तुम्हारा बेटा असल में कल्प्रिट है फायर बॉय, उसने पहले ये बंदे के ऊपर अटैक किया क्योंकि वो तुम्हारे घर से ये मैजिक आइटम लेके आया था, और इसका प्रूफ ये है कि देखो इसका शोल्डर असल में चला हुआ है। तो ये देखने के बाद हमारे फायर बॉय के फादर बोलते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद हमारा ये फायर बॉय तो वहां से भाग जाता है। फिर जोरो जाता है और वो फायर बॉय के फादर को पकड़ता है और उनको थोड़ा ज्ञान देता है। तो जोरो का ज्ञान सुनने के बाद फायर बॉय के फादर भी वहां से डर के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वाटर बॉय अपने फादर को सॉरी बोलता है और बोलता है कि फादर आपके पास इतने ज्यादा मैजिकल पावर है, आपने मुझे कहीं बताया क्यों नहीं। तो उसके फादर बोलते हैं कि असल में बेटा मैं खुद एक मैजिक नाइट बनना चाहता था और मैं मेरे हीरो ज़ारा के जैसे बनना चाहता, लेकिन मैं ऐसा बन नहीं पाया। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैजिक नाइट्स के एग्जाम में पास हो पाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर अभी बहुत टूट चुका है। तो लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर मैजिक नाइट्स के एग्जाम को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद अगले सीन में हमारा वाटर बॉय जोरो को थैंक्स बोलता और बोलता कि मैं भी अभी मैजिक नाइट्स में घुसूंगा और मैं अपना पूरा ट्रेनिंग करके एक अच्छा मैजिक नाइट बन के रहूंगा। तो जोरो बोलता चलो ये बात तो अच्छी है, ऐसा बोल के जोरो उसके हाथ में एक वो ढूस मारने वाला कीड़ा फेंक के वहां से निकल लेता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारी वेनिसा असल में जूस पी रही होती है और वो पीने ही वाली होती है। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे जूस नहीं पीना चाहिए और मुझे वापस से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मैं मेरे सारे के सारे टीममेट्स का माना इंक्रीज कर पाऊं, ऐसा बोल के वो अपने आप को रेडी करती है और वहां से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि यामी असल में हॉल में बैठा होता है और वो हमारी वेनिसा को जूस पीने के लिए बुलाता है। तो वेनिसा उससे कहती है कि नहीं मैं फिलहाल जूस नहीं पीऊंगी क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी वेनिसा असल में गई होती है क्वीन विच के पास। वो क्वीन के पास जाके उनसे कहती है कि प्लीज आप मुझे एंशिएंट मैजिक टेक्निक्स सिखाइए जिसकी वजह से मैं मेरे फ्रेंड्स की हेल्प कर पाऊं, मैं जानती हूं कि मैं किसी कंडीशन में नहीं हूं आपसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमारे ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, स्पेड किंगडम हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमारी क्वीन बोलते हैं कि हाँ मुझे ये सब पता है और स्पेड किंगडम में कितने खतरनाक लोग और कितने खतरनाक डेविल्स है वो भी हमें पता है, तो उनको रोकने के लिए मैं कुछ ना कुछ सोच ही रही थी, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास तो ये बिल्ली है
जो कि फेट चेंज कर सकती है, तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तो हमारी वैनेसा बोलती है कि ये बिल्ली की पावर भी सिर्फ मेरे पावर से कनेक्टेड है, अगर मेरा मैजिक खत्म होता है तो ये बिल्ली भी एकदम से यूजलेस हो जाएगी। तो वैनेसा बोलती है प्लीज आप मुझे कोई ना कोई एंशिएंट मैजिक टेक्निक तो सिखाइए। तो हमारी क्वीन बोलती है ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम्हें जाके पहले इन दो लड़कियों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी वैनेसा बाहर जाके इन दो लड़कियों से मिलती है, उसमें से एक होती है ब्लू टोपी वाली और एक होती है ब्राउन टोपी वाली। इनसे मिलने के बाद इन लोग को मिशन मिलता है कि ये लोग को जाके आगे देखना है कि इनके जो मैजिकल बीस्ट है वो लोग यहाँ पे एरिया में क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये गार्डियंस वाले गोलम है वो लोग बीस्ट के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। तो तब इनको मालूम पड़ता है कि जो इनके गार्डियन वाले गोलम है वो लोग सिर्फ 3 बार हमला करते हैं बीस्ट के ऊपर और फिर उनको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इनके एरिया में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट भर चुके हैं। तो तभी कुछ मैजिकल बीस्ट इन लोग के ऊपर हमला करते हैं, तो हमारी वैनेसा इन सब बीस्ट को अपने थ्रेड वाले मैजिक से रोक देती है और बोलती है कि अब तुम दोनों मुझे सपोर्ट दो। लेकिन ये दोनों की दोनों लड़कियां कोने में खड़े होकर पागलपना करती रहती है, एक अजीब सा डांस करती रहती है और डरती रहती है दोनों। तो इसमें से जो ब्लू टोपी वाली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा शाणी बनने की कोशिश करती है, और हमारी ब्राउन वाली तो एकदम से डरपोक सी रहती है। तो वैनेसा बोलती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमारी ब्लू टोपी वाली चाहके बोलती है अरे तेरे होते हुए हम लोग को क्यों फाइट करना पड़ रहा है, तू तो वही है ना जिसने पिछली बार यहाँ पे उन सब आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों को हराया था, तो तू इतनी यूजलेस कैसे हो रही है? क्या तू लड़कों के बगैर कुछ नहीं कर सकती? तू तो एकदम यूजलेस विच है, ऐसा वो हमारी वैनेसा को बोलती है। और फिर तब वैनेसा बोलती है कि अच्छा तो तुम दोनों ने लास्ट टाइम वो फाइट में क्या किया था? तो हमें मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम फाइट में ये दोनों की दोनों लड़कियां अकेले ही ऐसी विच थी जो कि एकदम डर के कोने में बैठी हुई थी। फिर उसके बाद वैनेसा इनसे बोलती है चलो तुम लोग मुझे तुम्हारा मैजिक दिखाओ। तो हमारी ब्लू वाली हमको मैजिक दिखाती है, और उसका मैजिक ये होता है कि वो एक होलोग्राम बना सकती है, और मीनवाइल हमारी ब्राउन टोपी वाली अपने मैजिक में जानवरों की आवाज निकाल सकती है। तो इन दोनों का मैजिक लिटरली यूजलेस होता है। फिर हमारी वैनेसा बोलती है कि जो ब्लू टोपी वाली है वो तो एग्जैक्टली नोवेल के जैसे है और ब्राउन टोपी वाली एग्जैक्टली ग्रे के जैसे है। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इतना मैच होते हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं। फिर उसके बाद वैनेसा भाग के जाती है हमारी क्वीन के पास और उनको बोलती है कि क्वीन तुमने मुझे इतना इम्पॉसिबल टास्क क्यों दिया है, मैं इन लोग को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दे सकती हूँ, ये दोनों लड़कियां बिल्कुल ही यूजलेस है, तुम मुझे ये टास्क इसलिए दे रहे हो ताकि मैं ये टास्क में फेल हो जाऊं और तुम्हें मुझे तुम्हारा मैजिक नहीं सिखाना पड़े, है ना। तो हमारी क्वीन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम जरा सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। फिर उसके बाद वैनेसा वहां से निकलती है और देखती है कि सारी की सारी लड़कियां इनके बारे में बात कर रही होती है, बोलती है कि दोनों यूजलेस लड़कियों को वैनेसा को ट्रेन करने के लिए बोला गया है, तो वैनेसा को तो गिव अप करना चाहिए। ऐसे ही वैनेसा आगे बढ़ती है, तब वो वहां देखती है कि वहां पे हमारे विंड मैजिक वाले बंदे की वाइफ होती है जो कि एक और विच होती है, और ये यहाँ पे बहुत सारे मैजिक आइटम्स बेच रही होती है। तो वैनेसा इससे बात करते हुए बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ये बोलती है कि मैं यहाँ पे ये मैजिक आइटम्स बेचने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक टाइप का क्रिमिनल बन चुका है, तो इसीलिए मुझे ये सब बेच के हमारा रोजगार चलाना पड़ रहा है। तो वैनेसा बोलते कि अच्छा तो तुम बताओ तुम क्या बेच रही हो? तो वो बोलते कि मैं यहाँ पे बहुत सारे अजीब से मैजिकल आइटम बेच रही हूँ और उसमें से एक ये है वॉशिंग बोर्ड, ये वॉशिंग बोर्ड यूज करने से तुम्हारा माना एकदम से अच्छा हो जाएगा और ये बहुत सस्ता सिर्फ 8,000 रुपए का है। तो वैनेसा बोलती नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन तभी हमारी ये विच बोलती है कि तुम्हें ये चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें बस ये जानना है कि तुम्हें इस चीज को यूज कैसे करना है। तो इससे वैनेसा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वैनेसा वहां से खुशी खुशी भागने लगती है। फिर वो अगले दिन जाती है और हमारी इन दोनों की दोनों टोपी वाली विचेस से मिलती है, तो तब वैनेसा के मुंह पे बहुत सारा स्कार लगा होता है, मतलब वो रात भर कहीं ना कहीं तो फाइट कर रही थी। वो इनको बोलते कि चलो इस बार मेरे पास एक नया प्लान है और हम लोग इस बार डेफिनेटली जीतने वाले हैं, ऐसा बोल के वो एक मैप बाहर निकालती है और बोलती है देखो ये मैप में जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया के अंदर सारे के सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं, इस एरिया से ये छोटे वाले मैजिकल बीस्ट हमारे एरिया में घुस रहे हैं और इनका पीछा करते करते ये बड़े वाले मैजिकल बीस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इसी वजह से ये बड़े वाले मैजिकल बीस्ट हमारे एरिया में घुस चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन छोटे वाले मैजिकल बीस्ट को यहाँ से लेके ये दूसरी वाली एरिया में डालने का है ताकि बड़े वाले मैजिकल बीस्ट भी वहाँ पे जाए और वो लोग हमारे एरिया को छोड़ दे। तो ये दोनों के दोनों टोपी वाली बिचेस बोलते हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे? तो हमारी वैनेसा बोलती है बहुत सिंपल है, तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। फिर ऐसे ही वैनेसा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सामने 3 छोटी लड़कियां होती है, तो उनके सामने वैनेसा अपने थ्रेड मैजिक से 3 डॉल बनाती है और बोलती है ब्लू वाली बंदी तुम इन लोग के अंदर अपना इल्यूजन डालो। तो ब्लू वाली बंदी उसके अंदर उन बच्चों का इल्यूजन डालती है और वो बोलती है ब्राउन वाली बंदी तुम इसके ऊपर वॉइस निकालो। तो ये वॉइस निकालते हैं तीनों की तीनों डॉल एक दूसरे बात करने लगती है। ये देख के वैनेसा इनको बोलती है कि हम यही टेक्निक यूज करेंगे इन सब बीस्ट के अगेंस्ट, ऐसा बोल के वैनेसा इन सब को आगे लेके जाती है जहाँ पे वो सब बड़े वाले मैजिकल बीस्ट होते हैं। वहां पे वैनेसा अपना थ्रेड मैजिक यूज करती है और वो ये रेड 2 पूछ वाले स्क्रेल में उन लोग को कन्वर्ट करती है अपने थ्रेड मैजिक से। फिर उसके बाद वो बोलती है ब्लू वाली बंदी तुम इसके अंदर तुम्हारा इल्यूजन डालो। तो ब्लू वाली बंदी अपना इल्यूजन डालती है और हमारी ब्राउन वाली बंदी इन सब के ऊपर वॉइस डालती है। फिर वैनेसा अपने मैजिक से इन सब को भगाती है इन सब बड़े वाले मैजिकल बीस्ट के सामने और उन लोग को ल्यूर करके लेके जाती है दूसरे वाले एरिया में। तो उसका ये टेक्निक एकदम आराम से चल रहा होता है और ये सब एकदम अच्छे से चलता रहता है। तो जैसे ही वो दूसरे एरिया में पहुंचे तो वहां पर जो असली छोटे वाले बीस्ट होते हैं वो वहां से भाग के निकलने लगते हैं। तो ये बड़े वाले बीस्ट असली बीस्ट का पीछा करके वापस से पीछे आ रहे होते हैं। तो ये देख के हमारी ये दोनों की दोनों सस्ती वाली विचेस एकदम टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि हमारा प्लान तो फेल होगा। लेकिन तभी वैनेसा बोलती है तुम लोग शांत रहो मेरे पास एक और प्लान है, ऐसा बोल के वैनेसा एक बहुत बड़े से बीस्ट को यहाँ पे समन करती है अपने थ्रेड मैजिक से और बोलती है कि ब्लू बंदी फटाक से इसको एकदम खतरनाक दिखने वाला बनाओ और ब्राउन बंदी तुम एकदम खतरनाक आवाज निकालो। तो ये तीनों लोग ऐसा ही करते हैं और यहाँ पे एकदम खतरनाक सा ड्रैगन टाइप बीस्ट बन जाता है। इसको देख के ये सारे के सारे बड़े वाले मॉन्स्टर डरने लगते हैं और हमारी ब्राउन बंदी एकदम खतरनाक रोर वाला आवाज निकालती है जिसके वजह से सारे के सारे बीस्ट यहाँ
से भाग जाते हैं। और तब वैनिथा बोलते, चलो हमारा प्लान आखिर काम तो किया, देखा तुम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि इनका सारा का सारा ये एडवेंचर हमारी क्वीन ने बड़े से मैजिकल ऑब से सारी की सारी विचेस को दिखाया होता है, जिस वजह से सारी की सारी विचेस इन लोग को अप्रिशिएट करने लगती है। उसके बाद वैनिथा जाती है हमारी क्वीन के पास और उनको बोलती है, थैंक यू सो मच क्वीन, आपकी वजह से मुझे समझ आई मुझे क्या करना है, अब मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना है, आपने मुझे एक अलग तरीके में नई चीज सिखा दी है, तो मैं इसी तरह जाऊंगी मेरे फ्रेंड्स की मदद करूंगी और उन सबके मैजिक को मैं सपोर्ट करूंगी, थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। फिर उसके बाद वो जाती है हमारी ये सेल्समैन वाली विच के पास और उसको बोले, तुम्हारी वजह से मैंने मेरा एक और मिशन कंप्लीट कर लिया, तो थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद हमारे सेल्समैन वहां पे उसको एक और 12,000 में चीज बेचती है, तो वैनिथा बोलती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा बोल के वहां से निकलने लगती है। फिर जब वैनिथा घर में पहुंचे तो देखती है कि रात के समय यामी वापस से उसके लिए बैठा होता है कुर्सी पे और बोलता है, चलो अब हम जूस पीते हैं। तो वैनिथा बोलती, नहीं यामी सर, मैं अब जूस नहीं पीने वाला जब तक ये पूरा मेन स्पीड किंगडम वाला मिशन कंप्लीट नहीं होता है, मुझे मेरे ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। फिर उसके अगले बद हमें सीन में दिखाते हैं कि हमारे महोदय ऐसे ही सिटी में घूम रहे होते हैं और हमारा मशरूम बॉय उनको पकड़ता है, बोलता है कि सर आप सिटी में क्यों घूम रहे हो, आपको तो बहुत सारा पेपर वर्क करना है। तो हमारे महोदय बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं वो पेपर वर्क करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम स्पीड किंगडम को कैसे हरा सकते हैं। फिर उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था और नोवेल एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आस्था अपने स्वॉर्ड से नोवेल के सारे वाटर मैजिक को काट रहा होता है। मीनवाइल आस्था के पीछे आती है हमारी ये मैड साइंटिस्ट और वो अपने जेली मैजिक से आस्था के ऊपर हमला करती है। तो तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये मैड साइंटिस्ट के साथ असल में किंगडम का मैजिक आइटम रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट भी होता है और हमारा मशरूम बॉय भी होता है। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं क्योंकि ये लोग को आस्था के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है और उसके साथ ही साथ बाकी सारे ब्लैक बुल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नए नए मैजिकल आइटम्स बनाने होते हैं। तो आस्था बोलता है, ठीक है तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसा बोल के आस्था अपने कपड़े निकालता है। तो ये देख के नोवेल एकदम शर्माने लगती है, लेकिन हमारी मैड साइंटिस्ट बोलते हैं कि आस्था मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट तो करने वाली हूँ, लेकिन मैं पहले तुमसे स्टार्ट नहीं करूंगी, तुम मेरे मेन डिश रहोगे, तो तुम पे मैं एकदम एंड में करूंगी, तो पहले मैं नोवेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करती हूँ। तो नोवेल बोलती, नहीं नहीं तुम मुझ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हो। और तभी हमारे ब्लैक बुल्स के सारे बंदे वहां पे आते हैं और वो लोग ये सब सुन के वहां से भागने लगते हैं। तो हमारी मैड साइंटिस्ट उनका पीछा करने के लिए भागती है और वो भागते हुए हमारे मशरूम बॉय और तो और हमारे ये मैजिक वाले आइटम वाले बंदे पे अपना मैजिक मार के वहां से भागती है और वो पहुंच जाती है हमारे मैगना के पास। वो अपने सैलामेंडर वाले मैजिक से मैगना को पकड़ती है और बोलती, अब मैं तुम्हारे ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूं, ऐसा बोल के वो अपने सैलामेंडर के अंदर एक इंजेक्शन मारती है जो कि हमारे मैगना के अंदर घुस जाता है और मैगना एकदम एनर्जी से बर्स्ट होने लगता है और वो बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन करके फट जाता है। तो हमारी ये मैड साइंटिस्ट बोलते, लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद वो जाती है हमारे गाची और तो और ग्रे के पास, उनके पास जाके वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी ही वो दिमाग लगाती है और अपने सैलामेंडर को कन्वर्ट करती है मारी के फिगर में। तो मारी को देख के तो हमारा गाची वहीं पे रुक जाता है और बोलता है कि हम लोग अभी अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ये मैड साइंटिस्ट मारी के फिगर से हमारे गाची और तो और ग्रे को पकड़ के उन दोनों को भी इंजेक्शन मार लेती है और ये इंजेक्शन की वजह से ये दोनों लोग भी फट जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये हमारी वैनिथा और तो और फिनरल को लालच देती है एक जूस के बॉटल से और वैनिथा वहां पे फंस जाती है वो जूस का बॉटल पीने के लिए और तभी ही वहां पे हमारी मैड साइंटिस्ट आके उन लोग को पकड़ लेती है। मीनवाइल वो चामी को पकड़ती है कपकेक रख रख के, तो चामी मस्त कपकेक खा रही होती है और वो उसको भी पकड़ लेती है। ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि वैनिथा और तो और फिनरल एक्सप्लोड होकर गिरे हुए रहते हैं और दूसरी जगह पे चामी भी ऐसे ही गिरी हुई होती है और हमारी मैड साइंटिस्ट इन सब के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पे आस्था और नोवेल पहुंच जाते हैं और आस्था अपने कपड़े निकाल के बोलता है कि ओए मैड साइंटिस्ट, तुझे जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है तू मेरे ऊपर कर, लेकिन मेरे दोस्त लोग को तू तकलीफ मत दे। तो मैड साइंटिस्ट बोलते, मैंने इन लोग को तकलीफ नहीं दी है, इन लोगों ने माना ओवरडोज हो गया इसीलिए ये लोग कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए, ये लोग 10-15 मिनट के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो आस्था बोलते, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें जो करना है तू मेरे ऊपर करो। तो ये सुनकर हमारी मैड साइंटिस्ट मस्त जंप मारती है, अपना जीभ बाहर निकालती है और बोलती, अब आस्था मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी, ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर चिपकती है और उसके ऊपर जंप मारती है। फिर वो कैची लेके आस्था के बाल काटती है और बोलती, बस मुझे तुम्हारा डीएनए चाहिए था, तो उसके लिए मैं तुम्हारे बाल को यूज करूंगी। फिर वो बोलती, अभी तुम मुझे तुम्हारा नाखून भी दो, मुझे तुम्हारा नाखून भी लग गया, तो वो आस्था के नाखून भी ले लेती है। फिर उसके बाद वो पूरे आस्था के बॉडी को टच करने लगती है और बोलती, आस्था तुम्हारे मसल्स तो बहुत मस्त है, क्या तुम मुझे तुम्हारा स्किन दोगे, तुम्हारा ब्लड दोगे। तो ये सब देख के हमारी नोवेल बहुत शर्माने लगती है, वो बोलती, ये बंदी आस्था से इतना चिपक क्यों रही है। तभी आस्था बोलता है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम एक अच्छा रिसर्च करो, तुम लोगों के अच्छे के लिए रिसर्च करो। तो ये सुनकर हमारी मैड साइंटिस्ट थोड़ा खुश हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोग का रिसर्च कंप्लीट हो गया होता है और मैड साइंटिस्ट और हमारा मैजिक आइटम बॉय और तो और मशरूम बॉय ये लोग सारा का सारा डेटा लेके वहां से निकलने वाले होते हैं। तो तभी ही ये लोग बोलते हैं कि कुछ समय बाद तुम लोग को नए नए मैजिक आइटम्स मिल जाएंगे, ऐसा बोल के लोग वहां से निकलते हैं फिनरल के स्पेशल मैजिक को यूज करके। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा लायन बॉय और तो और चोटी वाले बाबा ये दोनों ही एक मिशन पे होते हैं और इन लोग के साथ में होता है हमारा मशरूम बॉय। ये लोग का मिशन ये होता है कि इन लोग को एक गांव में जाना होता है क्योंकि वहां पे इनको मालूम पड़ता है कि बहुत सारी चोरी हो रही होती है। तो ये लोग वहां पे गोनी अपने ऊपर उड़ के जाते हैं डिस्गाइज में देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तो जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि सबसे पहले ये लोग जाके वहां के कॉमन लोग से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहां पे क्या क्या हो रहा है। तो अंदर घुसने के बाद ये लोग देखते हैं पूरा पूरा ये गांव डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें इस गांव को ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम लोग यहां के चोरों के बारे में देखते हैं। तभी हमारा लायन बॉय एक टकले आदमी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहां पे चोरी जो हो रही है वो क्यों हो रही है।
है। तो टकला बोलता है कि तुझे इससे क्या, तू तेरा काम कर, तुझे अगर कुछ खरीदना तो खरीद वरना निकल। तो तभी ही हमारा लैंड बॉय बोलता है कि मुझे यहाँ पे महोदय ने एक कोड वर्ड दिया था और वो कोड वर्ड है क्रोनोवेला। जैसे ही हमारे लैंड बॉय ये वर्ड बोलते हैं तो सबके सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम क्रोनोवेला दादी को जानते हो, वो तो सबसे बेस्ट है, अगर तुम उनके दोस्त हो तो हम तुम लोग को हमारे सिटी में ले लेते हैं और ये लो हमारे तरफ से गिफ्ट। ये क्रोनोवेला सुन के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में क्रोनोवेला ये बुड्ढी का नाम होता है और ये बुड्ढी कोई और नहीं हमारे महोदय होते हैं जो अपने फ्री टाइम में घूम रहे होते हैं और इन्होंने ये विलेज में सब लोग की बहुत मदद की होती है, इसीलिए महोदय का बहुत रिस्पेक्ट होता है यहाँ पे। मीनवेल हमें दिखाते हैं हमारे चोटी वाले बाबा असल में एक लड़की से बात कर रहे होते हैं और वो लड़की अपनी बेटी को चोटी वाले बाबा के हाथ में दे देती है और बोलते हैं कि प्लीज इसको आप कैरी करो। तो चोटी वाले बाबा जब उसको अपने हाथ में पकड़ते तो बोलते हैं कि वाह, इसको पकड़ने के बाद मुझे नोवेल की याद आ रही है कि जब वो छोटी बच्ची थी मैं तभी उसको ऐसे ही अपने गोद में लेता था। फिर उसके बाद सारे के सारे गाँव वाले इनको बोलते हैं कि अगर आप लोग क्रोनोवेला के पहचान वाले हो तो हम आपको बोलते हैं कि आप रात को हमारे यहाँ पे रुकिए और आराम से खाना खा के सो जाइए। तो सब लोग यहाँ पे मस्त रात को खाना खाने बैठते हैं और उसके बाद हमारे हीरोज ऐसे ही रूम में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बैंडिट लोग कब आने वाले हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी खिड़की के बाहर 2-3 गुंडे आए होते हैं। तो ये गुंडे लोग आराम से वहाँ पे बाहर बैठ के अपना अटैक करने ही वाले होते हैं कि हमारे हीरोज डोर तोड़ के बाहर निकलते और अटैक करते हैं उनके ऊपर। तब इनको मालूम पड़ता है कि जो असल में गुंडे होते हैं ये लोग कोई और नहीं गाँव वाले ही होते हैं। तो इनका मेयर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे चोरी करने का प्लान इसीलिए बनाया क्योंकि हम लोग के गाँव में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा हुआ है, ये जो अटैक हुआ था उसके बाद पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो हम लोग इस गाँव को वापस से रिस्टोर करने के लिए सब कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि आप लोग चोटी वाले बाबा और तो और लायन बॉय हो, प्लीज आपको अगर किसी को अरेस्ट करना है तो आप मुझे अरेस्ट करो, मैं यहाँ का मेयर हूँ और ये पूरा मेरा प्लान था। तो ये सुनने के बाद हमारे लायन बॉय और तो और चोटी वाले बाबा दोनों ही बोलते कि हम आप लोग को माफ करते हैं और आप लोग का पनिशमेंट ये होगा कि आप लोग को ये पूरे के पूरे विलेज को वापस से रिस्टोर करना है और उसमें आप लोग की मदद हम लोग करेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे मैजिकल नाइट्स आसपास के विलेज में जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए और देखने के लिए कि कौन सा विलेज कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं रिस्टोर करने में। और फिर उसके बाद हमारे दोनों के दोनों हीरोज ये इन्फॉर्मेशन हमारे महोदय को देते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनो चश्मिश बॉय और तो और मिमोसा ये तीनों ही अपने बेस में चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जियान और तो और बाकी सारे के सारे गोल्डन डॉन के मैजिक नाइट्स आ जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि इन लोग को असल में छपरी बॉय ने बुलाया होता है किसी मीटिंग के लिए। और तभी ये लोग बोलते हैं यूनो तुमने तो बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट कर दिया है और तुम बहुत अच्छे मैजिक नाइट बन गए हो। तो यूनो बोलता है थैंक यू सो मच। उसके बाद जो हमारे ग्रीन बाल वाला शाणा बंदा होता है यूनो को देख के बोलता है ये बंदा बहुत ज्यादा ही शाणा बन रहा है, अगर मैं उस वक्त एल्फ नहीं बना होता तो मैंने इसको आराम से हरा दिया होता और मैंने हमारे कैप्टन को मदद की होती और कैप्टन के सामने इस वक्त मैं अच्छा होता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे गोल्डन डॉन के बंदे लोग छपरी बॉय और तो और लंगूर के सामने बैठ गए होते हैं। वहां पे उन लोग को छपरी बॉय बोलता है कि असल में तुम लोग को एक जॉइंट मिशन पे जाना है जो कि किडन वाले विलेज के अंदर है, वहां पे बहुत सारे जंगली बोर अटैक कर रहे हैं तो तुम्हें उन बोर्स को रोकना है। ये लोग कोई ऑर्डिनरी बोर नहीं है, ये सब मैजिकल बोर्स है जिनके ऊपर फ्लेम मैजिक लगा हुआ है, इसीलिए तुम सबको एक साथ यहाँ पे जाना है और यहाँ का तुम्हारा लीडर होगा हमारा ग्रीन शाणा बॉय, ये तुम लोग को लीड करेगा, ठीक है? तो तुम लोग यहाँ पे जाओ इन लोग की मदद करो और ये सौसी विलेज के लोगों को ठीक करो। फिर उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज पहुंच जाते हैं सौसी विलेज में। वहां पे पहुंचने के बाद वहां के सारे बच्चे यूनो को देख के बोलते हैं कि अरे इस बार आप हम लोग को हेल्प करने के लिए आए हो, क्या आस्था यहाँ पे नहीं आएगा? तो यूनो बोलता है तुम लोग आस्था को जानते हो? तो ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम आस्था को जानते हैं, आस्था ने हमें पिछली बार हेल्प की थी इन सब बोर से और ये ब्लैक बोल के लोगों ने भी हमारी मदद की थी। तभी यहाँ पे ये कंपस वाली बंदी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, ये वही विलेज जहाँ पे फर्स्ट टाइम आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग आए थे। फिर उसके बाद गांव के लोग हमारे हीरोज को बताते हैं कि यहाँ के जितने भी ये ब्लैक मैजिकल बोर से वो लोग एकदम से फ्यूरियस हो गए हैं और वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, ये पिछली बार भी हुआ था और ये इस बार भी हो रहा है। तो हमारे हीरोज बोलते हैं ठीक है हम इसको संभाल लेंगे। फिर तभी जो इनका कैप्टन होता है ये ग्रीन बाल वाला बंदा वो बोलता है कि हम लोग जाके इन सारे के सारे बोर्स को पकड़ के यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन तभी यूनो बोलता है कि हमें सिर्फ बोर्स को ही नहीं शांत करना है, हमें ये भी ढूंढना है कि वो लोग इतने एंग्री क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा कि अगर हमने ये रीजन नहीं ढूंढा तो कुछ महीनों के बाद ये वापस से विलेज के ऊपर अटैक करेंगे, तो हमें एक साथ ये सारे के सारे फसाड के जड़ को निकालना पड़ेगा। तो हमारा ग्रीन बॉय बोलता है कि भाई तू बहुत शाणा नहीं बन रहा है, यहाँ पे कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन ने मुझे बोला कि मैं ये चीज को लीड करूंगा, तो तू तेरी जगह जान ले और अपने आप को संभाल ले, समझा क्या? तो यूनो बोलता है ठीक है लेकिन मैं जाके तो फसाड की जड़ को ढूंढूंगा और इन लोग को बचाऊंगा। फिर उसके बाद ये लोग मस्त प्लानिंग करते हैं और हमारा ग्रीन बॉय भाग भाग के निकलता है अटैक करने के लिए बोर्ड्स के ऊपर। मीनवेल हमारे बाकी के सारे मेजेस भी ऐसे ही अटैक करते हैं। जियान अपना ग्लास मैजिक यूज करता है तो हमारी कंपस गर्ल उसके पीछे कंपस यूज करके उसको बोर से बचाती है और हमारा डाइस बॉय अपना डाइस मैजिक यूज करके मल्टीपल बोर्ड्स को रोकता रहता है। ऐसे ही सारे के सारे हीरोज बोर्ड्स को रोकते रहते हैं लेकिन मीनवेल हमारा यूनो इन सबको फसाद का जड़ ढूंढ रहा होता है कि क्यों ये लोग इतना एंग्री हो रहे हैं। तभी यूनो देखता है कि वहां पे असल में एक अजीब सा फ्रूट होता है, क्या ये वन पीस का डेविल फ्रूट है ये मुझे नहीं पता। तो यूनो बोलते हैं ये फ्रूट खाने के बाद यहाँ के सारे बोर्ड्स गुस्सा हो रहे हैं और वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से ये सारे के सारे फ्रूट्स को ही निकाल देते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनो ने यहाँ के सारे फ्रूट्स को निकाल दिया होता है और वो पहुंच गया होता है विलेज के अंदर बाकी लोग के साथ। तो विलेजर्स लोग यूनो को और सारे के सारे गोल्डन डॉन के लोग को थैंक्स बोलते हैं और जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो सब शांत हो गए।
होते हैं। तो ये लोग सारे के सारे बोर्ड्स को अपने साथ विलेज में रखते हैं और उन लोग के साथ मस्ती मजाक करते हैं। और मीमोसा ने इन सबके बोर्ड्स के ऊपर फ्लावर का एक रिंग बना के इन लोग को दे दिया होता है। तभी सारे के सारे बच्चे जाते हैं आस्था के यूनो के पास और उसको बोलते हैं, क्या आप आस्था के दोस्त हो? तो आप आस्था को बोल सकते हो कि हम लोग मैजिक नाइट्स बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग वेट करेंगे आस्था का विजर्ड किंग बनने में। तो यूनो बोलता है कि ठीक है, मैं ये आस्था को बोल दूंगा, लेकिन विजर्ड किंग आस्था नहीं, मैं बनूंगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे गोल्डन डॉन के हीरोज पहुंच गए होते हैं उनके बेस में और वो लोग उनके छपरी कैप्टन को बताते हैं कि उन लोगों ने मिशन पूरा कर लिया है। तभी छपरी कैप्टन बोलता है कि मैं तुम लोग को रेस्ट करने के लिए बोलने वाला था, लेकिन अभी तुम लोग को एक अर्जेंट मिशन पे जाना पड़ेगा, जहां पे एक नया डंजन मिला है हमें और वहां पे एनिमी स्पेड किंगडम के लोगों ने आके अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और वो लोग वहां के सारे मैजिक आइटम्स चोरी कर रहे हैं, तो हमें उनको रोकना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग को लीड करेगा इस बार लंगूर, लेकिन तभी लंगूर बोलता है कि सर मैं लीड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी हील हो रही है। तो फिर हमारा छपरी बॉय बोलता है कि ठीक है, तो तुमको वापस से लीड करेगा ये ग्रीन शाणा बॉय। तो ये लोग इनके मिशन पे निकलते हैं और तभी लंगूर बोलता है कि सर आपने ग्रीन शाणे बॉय को क्यों बोला लीड करने के लिए, मुझे लगता है कि आपको यूनो को बोलना चाहिए था। तो हमारा छपरी बोलता है कि हाँ मैं यूनो को बोलने वाला था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ग्रीन बॉय भी समझे कि यूनो कितना अच्छा है और वो चेंज हो, वो यूनो को एक पेजेंट नहीं देखे बल्कि अपना एक सबॉर्डिनेट के जैसे देखे। तो लंगूर बोलता है अच्छा समझ गया मैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे डंजन के पास पहुंच जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे चोर होते हैं, तो वो लोग अपने मल्टीपल अटैक करके इन सब बाहर वाले चोरों को हरा देते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये सैंड मैजिक वाला बंदा अपना सैंड मैजिक यूज करता है और पूरे के पूरे डंजन को मैप आउट करता है और हमारी मीमोसा अपने मैजिक से यूज करके देखती है कि डंजन के अंदर ट्रेजर कहाँ पे है। फिर ये लोग डंजन के अंदर एंट्री लेते हैं, जैसे ये लोग अंदर पहुंचते देखते वहां पे अंदर भी बहुत सारे मेजेस होते हैं, तो ये लोग अपने मैजिक से उन सबको हराने लगते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जो भी मेजेस होते हैं इन सबके पास मैजिक आइटम होता है, जिस वजह से ये लोग अच्छा खासा मैजिक अटैक कर पाते हैं। लेकिन हमारे हीरोज इनके ऊपर रॉक मैजिक यूज करते हैं, ग्लास मैजिक यूज करते हैं और ऐसे ही मल्टीपल मैजिक यूज करके इन सबको हराते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारा ये ग्रीन शाणा बॉय इन सबके पास से उनका मैजिकल आइटम लेता रहता है ताकि ये लोग वो मैजिक आइटम नहीं यूज कर पाए। तभी वो लोग अंदर पहुंचकर वहां पे देखते हैं कि वहां पे जो ट्रेजर होता है उसके ऊपर बैठा होता है उन सबका बॉस, जो कि एक पुराना मैजिक नाइट होता है और वो एक सीनियर लेवल 1 का मैजिक नाइट होता है, जिस वजह से वो सबसे स्ट्रांग होता है इस रूम में। वो बोलता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे आ गए ना, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम सबके सब रैश हो, मैंने बाहर उतने सारे पेजेंट्स मेरे को खड़ा रखा था मैजिक आइटम देके, फिर भी वो लोग यूजलेस निकले, आह मैं क्या करूंगा इस दुनिया का, ऐसा बोल के ये बैठा रहता है। बोलता है तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। तभी हमारा ये ग्रीन शाणा बॉय अपना सैंड मैजिक यूज करके हमारे इस बॉस के ऊपर हमला करता है। तो बॉस बोलता है बेटा तेरा मैजिक तो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा बोल के बॉस अपना ब्लैक अर्थ क्रिएशन मैजिक यूज करता है और वो हमारे सैंड मैजिक वाले बंदे के सैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है तू तो मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो उसी सैंड मैजिक से हमला करता है हमारे ग्रीन बॉय के ऊपर और ग्रीन बॉय एकदम से जख्मी हो जाता है, तो हमारी मीमोसा उसको हील करने लगती है। मीनवाइल हमारे बाकी सब हीरोज रेडी होते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए और तभी वो लोग मल्टीपल अटैक करते हैं। हमारा मोटा जियान ग्लास मैजिक करता है जिसको ये बंदा आराम से डॉज कर लेता है और हमारी कंपस वाली बंदी भी इसके ऊपर हमला करके उसके अटैक को रोक देती है। मीनवाइल हमारा डाइस बॉय इसके ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन ये बंदा तभी एक मैजिक आइटम यूज करता है और इस डाइस बॉय के अटैक को अपने अंदर चूस लेता है। उसके बाद यूनो अपने स्पिरिट के साथ अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक को भी डाइस बॉय अपने मैजिक के अंदर चूस लेता है। फिर उसके बाद हमारा बॉस बोलता है कि देखो मेरे पास ये जो मैजिक आइटम है वो सारे के सारे मैजिक को अपने अंदर चूस सकता है, तुम लोग के अटैक मुझे कुछ नहीं करेंगे। तभी यूनो बोलता है कि तुझे चाहे जो भी बोलना है बोल ले, लेकिन हम लोग तुझे आराम से हरा देंगे, हमारे पास ये मैजिक है ऐसा नहीं है। और तभी हमारा सैंड बॉय वापस से खड़ा होता है और वो निकलता है अटैक करने के लिए। मीनवाइल यूनो अपने मल्टीपल अटैक मारता रहता है इस बंदे के ऊपर, हमारा ग्लास बॉय भी अटैक करता है और हमारा रॉक बॉय भी अटैक करता रहता है, ऐसे ही सब लोग अटैक करते रहते हैं। मीनवाइल हमारा सैंड बॉय खड़ा होता है और वो अपना सैंड मैजिक मार के इस बंदे के पैर को पकड़ लेता है और उसके बाद हमारा चश्मिश बॉय अपने स्टील मैजिक से इसके ऊपर हमला करता है, तो ये बंदा उसको रोकने लगता है। मीनवाइल हमारा जो डाइस बॉय होता है वो अपना डाइस पे 3 नंबर निकालता है और अटैक करता है, तो हमारा सैंड बॉय भी इसके ऊपर अटैक करता रहता है। और तभी बॉस बोलता है कि तुझे पता है ना कि मैं तेरे अटैक को खा सकता हूं। तभी हमारा यूनो बोलता है कि हम लोग तुझे कभी टारगेट कर ही नहीं रहे थे, ऐसे बोल के हमारा डाइस बॉय हवा में अटैक करता है और ऊपर से पत्थर गिरने लगता है और उसी वक्त पे इसके नीचे से जमीन टूटती है और ये बॉस जमीन में गिर जाता है। फिर हमारे सारे के सारे हीरोज एक साथ इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं और इसको पकड़ के वहां से लेके जाते हैं। मीनवाइल ये लोग अगले सीन में अपने बेस में पहुंच जाते हैं और वहां पे हमारा ग्रीन बॉय यूनो की तारीफ करता है और बोलता है कि यूनो मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें एक पेजेंट समझता था, तुम एक अच्छे खासे मैजिक नाइट हो और तुम गोल्डन डॉन के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, ऐसा बोल के वो यूनो से माफी मांगता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग ने यूनो को अपना लिया होता है। फिर हमारा जियान नेक्स्ट सीन में यूनो को बोलता है चलो यूनो हम लोग साथ में जाके खाना खाएंगे, मुझे एक रेस्टोरेंट पता है, तो यूनो बोलता है ठीक है हम जाते हैं और ऐसे यूनो भी अपने शायनेस को ओवरकम कर लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे फर्स्ट महोदय अपने एक नए मैजिक आइटम के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमारी नैरो पीछे से उनके लिए चाय लेके आती है, लेकिन हमारे फर्स्ट महोदय का ध्यान नहीं होता है और वो चाय नहीं पीते हैं। उसके बाद हमारी नैरो उनसे पूछती है कि आप क्या बना रहे हो, तो हमारे फर्स्ट महोदय बोलते हैं कि मैं एक ऐसा मैजिक आइटम बना रहा हूं जो उन लोग की मदद करेगा जिनके पास माना बहुत कम है, ये मैजिक आइटम उनके अंदर माना भर देगा और वो लोग भी एकदम नॉर्मल लेवल पे आ
आ जाएंगे, फिर उसकी वजह से हमारे इस कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। और तभी नेरो अपने बैक स्टोरी से बाहर निकलती है और वो सोचने लगती है कि ये बात तो बहुत सही है, काश ये चीज हमने पहले बना दी होती तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे महोदय ने हमारे ब्लैक बुल्स को अपने रूम में बुलाया होता है। वहां पे होता है फिनरल, नोवेल, आस्था और यामी। ये लोग से महोदय एक पुराने मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे हमारा मशरूम बॉय आता है और वो बोलता है कि महोदय हमसे हार्ट किंगडम की क्वीन बात करना चाहती है। तो तभी हमारी हार्ट किंगडम की क्वीन अपने स्क्रीन पे आती है और वो बोलती है कि अच्छा तुम तीनों यहाँ पे हो, चलो अच्छी बात है, मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग का जो ट्रेनिंग मैं करवाने वाली थी मेरे स्पिरिट गार्डियंस के साथ, उसकी मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब तुम लोग ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बोल के वो बात कर रही होती कि तभी वो जोर से चिल्लाती है और वो गिर जाती है और तभी ये पूरा सीन वहीं पे बंद हो जाता है। तो हमारे मैजिक नाइट्स ये सोचते हैं कि शायद से क्वीन का कर्स वापस से एक्टिवेट हो गया है। तो हमारा यामी बोलता है कि फिनरल फटाक से तुम वो डोर खोलो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं हमारी क्वीन को बचाने के लिए। तो फिनरल वो अपना स्पेशल मैजिक का डोर खोलता है और ये सब के सब वो डोर में कूद के वहां पे निकलते हैं। तभी हमारे महोदय बोलते हैं कि तुम लोग वहां पे घुस जाओ और टेंशन मत लो, मैं सारा का सारा पेपर वर्क कर लूंगा। मीनवाइल नेरो तुम वहां पे मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है तो तुम यहां पे मेरे लिए रुक जाओ। नेरो रुक जाती है महोदय के साथ। फिर ऐसे ही जब हमारे हीरो दूसरे साइड पहुंचते हैं हार्ट किंगडम के अंदर तो वहां पे गाजा बाहर आता है और इन लोग को रोकता है और इन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। बोलता है तुम लोग ने हमारे कंट्री में इल्लीगल एंट्री ली है। तभी गाजा को कॉल आता है और वो कॉल में बोला जाता है कि इन लोग ने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया और इन लोग को एंट्री मिल चुकी है। तो गाजा इनसे माफी मांगता है और इन लोग को क्वीन के पास लेके जाना चाहता है। जैसे ही लोग क्वीन के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि क्वीन असल में सो रही होती है अपने भालू के ऊपर और वो एकदम से नॉर्मल होती है। तो हमारा फिनरल क्वीन को देख के बोलता है कि क्वीन भले ही अपने क्वीन वाले ड्रेस में नहीं है लेकिन ये एकदम से ब्यूटीफुल है। फिर तभी क्वीन चल के आगे आती है और उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी हमारी मर्मेड यहाँ पे आके क्वीन को उठाती है और गाजा भी पीछे खड़ा होता है। तो यामी बोलता है अच्छा तो तुम हो वाटर स्पिरिट ना, तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद आस्था पूछता है कि क्वीन असल में आपके साथ क्या हुआ था कि आप ऐसे ही बात करते करते गिर गए। तो क्वीन बोलती है कि मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए मेरा पेट बहुत दुख रहा था और मुझे उसी वजह से बेहोश होकर गिरने की हालत हो गई थी। तो आस्था बोलता है अच्छा ये प्रॉब्लम थी, अरे यार। फिर ये सुनने के बाद हमारा यामी यहाँ से निकल लेता है, बोलता है अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं निकल लेता हूँ। उसके बाद क्वीन बोलती है कि अभी मैं तुम लोग को वो बात बताती हूँ जो मैं तुमसे बोलने वाली थी, मैंने तुम लोग का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है और तुम सब लोग कुछ समय बाद हमारे स्पिरिट गार्डियंस के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन तभी क्वीन वापस से जोर से चिल्लाती है और बोलती है अरे वो कहाँ पे गए। तो ये सुनने के बाद सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी क्वीन बोलती है कि मैं मेरे चश्मे को ढूंढ रही हूँ, मेरे चश्मे कहाँ पे गए, मैंने मेरे चश्मे तोड़ने की आदत मुझे बचपन से है, मैं कभी मेरे चश्मे के ऊपर पैर रख देती थी, कभी मेरे चश्मे बैठ जाती थी, कभी मेरा चश्मा गिरा देती थी, ऐसी मैंने बचपन से बहुत सारे चश्मे तोड़ दिए हैं। तो ये मेरा लास्ट पैर था चश्मे का, अब मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद क्वीन अपना मैजिक यूज करती है और वो हर जगह पे एक एक सीसीटीवी कैमरा खोल लेती है और उसके थ्रू वो देख रही होती है कि उसका चश्मा कहाँ पे है। तो तब उसको दिखता है कि उसका चश्मा असल में एक छोटे से बीवर के पास है, जो बीवर असल में ये बड़े वाले भालू का बच्चा होता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो बड़ा वाला भालू है ये असल में कोई डॉल नहीं है, ये एक असली भालू है और ये यहाँ पे सो रहा है। तो इसी भालू के साथ उसका बच्चा हमेशा यहाँ पे आता है कैसल के अंदर और वो हमारी क्वीन की चीजें लेके वहां से भाग जाता है। तो आस्था बोलता है ठीक है मैम, मैं जाके इसके पास से आपका ये चश्मा लेके आऊंगा। तो आस्था, फिनरल और नोवेल निकल लेते हैं अपने मिशन की तरफ हमारी क्वीन का चश्मा लेके आने के लिए। तो सबसे पहले फिनरल यहाँ पहुंचने के बाद अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है और वो अपने मैजिक से ये बीवर को पकड़ के अपने पास लेके आता है। वो उसके हाथ से चश्मा खींचने वाला होता है कि तभी ये बीवर फिनरल के नाक पे काट लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद नोवेल भाग के जाती है ये बीवर को पकड़ने के लिए अपने बैलकरी वाले फॉर्म में। वो पानी में कूदती और बीवर का पीछा करती है, लेकिन तभी ये एनिमल जब पीछे घूम के देखता है तो नोवेल को ये बहुत क्यूट लगता है और नोवेल वहीं पे अपना मैजिक खो देती है। फिर उसके बाद ये वाला एनिमल उनके सामने मछली खाता है और उन लोग को चिढ़ाने लगता है। तो ये देख के फिनरल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नोवेल तो ये एनिमल के प्यार में पागल रहती है। तभी आस्था बोलता है अब मेरी बारी है। ऐसा बोल के आस्था अपने ढक्कन वाले रूप में बैठ के आराम से मछली पकड़ रहा होता है और उसने उसके डिब्बे में 3 से 4 मछली पकड़ ली होती है। आस्था ऐसे ढक्कन बन के मछली पकड़ रहा होता है और ये एनिमल फटाक से जा रहा होता है आस्था के पास मछली चुराने के। लेकिन तभी आस्था अपना की मैजिक यूज करके इस एनिमल को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुझे मछली चाहिए तो तुझे मुझे तेरे चश्मे देने पड़ेंगे। तो ये बीवर बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के बीवर को उसका मछली मिल जाता है और आस्था को चश्मा मिल जाता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हमारी क्वीन बोलते कि आस्था के पास की वाली पावर है, इसी वजह से आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिशन में और इसीलिए मुझे लगता है कि आस्था सबसे ज्यादा ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा इस ट्रेनिंग के साथ। फिर अगले सीन में आस्था क्वीन को उसका चश्मा देता है, लेकिन क्वीन वो चश्मा लेके वापस से गिर जाती है, लेकिन लकीली इस वक्त चश्मा नहीं टूटता है। तो आस्था बोलता है चलो मेरी जान में जान है। फिर क्वीन खड़ी होती है, वो चश्मा पहनने वाली होती है कि तभी वो हमारे ये बड़े वाले भालू के ऊपर स्लिप होकर नीचे गिरती है और चश्मा तोड़ देती है। ये देख के आस्था का, नोवेल का और तो और फिनरल का दिल भी टूट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे गाजा आता है और वो बहुत सारे चश्मे दे देता है इन लोगों। तो ये देख के हमारी क्वीन बोलती है चलो थैंक यू सो मच गाजा, तुमने मुझे चश्मा दे दिया। तो आस्था बोलती है तुम बगैर चश्मे के हम लोगों को कैसे देख पा रहे थे जब तुम तुम्हारे क्वीन वाले फॉर्म में थी। तो हमारी मर्मेड बोलती है कि जब भी लोरो पेचका अपने क्वीन वाले फॉर्म में रहती है तो वो उसके माना के वजह से सब लोगों को डिटेक्ट कर पाती है, लेकिन उसका माना बहुत फास्ट डिक्रीज होता है इसीलिए वो उसके क्वीन वाले फॉर्म में पूरा टाइम नहीं रह सकती है। फिर उसके बाद लोरो पेचका मस्त गाजा के पास से चश्मा लेके पहनती है और बोलती है चलो अब सब सही हो गया। उसके बाद वो बोलती है कि अभी तुम लोग का ट्रेनिंग में स्टार्ट करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी, मेरे स्पिरिट गार्डन
स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मेरे पांचों के पांचों स्पिरिट गार्ड गाइडेंस तुम सब लोग को ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे महोदय हमारे नेरो को एक बड़े से दरवाजे के पास लेके आते हैं और बोलते हैं, अरे नेरो असल में प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं ना भूल चुका हूँ कि इसका चाबी कहाँ पे, तो तुम तुम्हारा मैजिक यूज करके डोर खोल सकती हो। तो नेरो ये डोर खोलती है और उसके अंदर महोदय और दो और नेरो घुस जाते हैं। यहाँ पे होता है इन लोग का ग्रैंड लाइब्रेरी। वहाँ पे महोदय एक बुक खोलते और बोलते, देखो क्या तुम्हें इस मैजिक आइटम के बारे में पता है, इसके अंदर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारा नाम है सेक्रे। तो ये देख के हमारी नेरो को बहुत खुशी होती है क्योंकि ये वही मैजिक आइटम होता है जिसके बारे में हमारे फर्स्ट महोदय ने बात किया होता है। तो हमारे महोदय बोलते हैं कि मैजिक आइटम की मदद से हमारे सिटी के अंदर बहुत सारी शांति फैल जाएगी। तो ये देख के नेरो बहुत खुश रहती है। उसके बाद अगले सीन में हमारे सारे के सारे हीरोज ब्लैक बुल के बेस पे होते हैं और वहाँ पे वो लोग नेरो से बात करते हैं। तो आस्था नेरो से पूछता है कि नेरो सर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने महोदय से क्या बात की। तो नेरो बोलते हैं बस यही ऐसे टाइम पास वाली बात है। और इसके बाद ये लोग सब लोग खुशी खुशी सो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे ग्रे अपने रूम में सो रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसके सारे के सारे टीममेट्स बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन वो अकेली ही ऐसी है जो अभी भी शर्माने लगती है जब भी कोई उसके ऊपर देखता है। तो बोलती है मुझे भी अपने आप को चेंज करना है। फिर वो अगले सीन में सुबह सुबह जाती है और नोवेल के पास जाके उसको बोलती है कि नोवेल क्या तुम मुझे अपनी स्टूडेंट बनाओगे। तो ये सुनकर नोवेल बहुत शाणी बनने लगती है और इस सीन में नोवेल बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है। तो नोवेल बोलती है कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट क्यों बनना है। तो हमारी ग्रे बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंट बनना है क्योंकि तुम एक रॉयल्टी हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और यही चीज मुझे सीखना है। तो नोवेल बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करती हूँ इसमें। फिर उसके बाद नोवेल ग्रे को बाहर लेके जाती है फॉरेस्ट में और उसको बोलती है ग्रे अब मैं तुम्हें देखती रहूंगी तो तुम्हारा हाथ हटा के मुझे तुम्हारे पास देखने दो। और नोवेल ने यहाँ पे चश्मे पहने होते हैं। तो ग्रे पहले अपना हाथ हल्के से हटाती है तो नोवेल उसको देखती है। तो ग्रे उसको देख के शर्माने लगती है। तो नोवेल बोलती है अरे यार ऐसे तो काम नहीं होगा। तभी यहाँ पे हमारा जोकर बॉय आता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और जोकर बॉय इस सीन में बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। जोकर बॉय बोलता है कि नेरो तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए इन सब डॉल्स को देख के। तुम ऐसा अज्यूम करो कि ये सब डॉल्स तुम्हारे पास देख रहे हैं और धीरे धीरे तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो ग्रे कोशिश करती है इन सब डॉल्स को देखने की और धीरे धीरे करके वो इन डॉल्स को देखने लगती है। तो तभी हमारी नोवेल बोलती है कि तुम सोचो कि तुम कोई और हो और वो बन के तुम इनके सामने खड़े रहो। तो फिर ये एक्टिंग करती है नोवेल के जैसे बनने की, लेकिन वो नोवेल के जैसे बन नहीं पाती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो आस्था है, वो आस्था के जैसे एक्टिंग करती है और इन सब डॉल से बात करने लगती है। लेकिन थोड़े प्रैक्टिस के बाद वो वापस शर्माने लगती है और बोलती है कि नहीं मुझसे ही नहीं होगा। उसके बाद वो गाची बन के गाची के पास जाती है और गाची को बोलती है गाची तुम मेरा मदद करो इस चीज में। तो गाची बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा मदद नहीं करने वाला हूं। तो बोलती है कि प्लीज तुम मेरा मदद करो तो तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूं। तो गाची बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मारी में कन्वर्ट होकर मेरे लिए ये सब सेंटेंस पढ़ोगी। तो बोलती है ठीक है मैं ये सब पढ़ूंगी। तो गाची ने जो पेपर हमारी ग्रे को दिया होता है उसमें एक सेंटेंस होता है कि बड़े भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बड़े भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूं, ऐसे बहुत सारे एम्बैरेसिंग चीजें होती हैं। तो हमारी ग्रे बोलती है मैं ये सब पढ़ूंगी बस तुम मेरी मदद करो मेरे इस फियर से हटने के लिए। तो गाची बोलता है ठीक है ऐसा बोल के गाची ग्रे को बाहर लेके जाता है और उसके आसपास बहुत सारे मिरर्स को लगा देता है और उन सब मिरर के थ्रू वो ग्रे को देख रहा होता है। बोलता है कि मैं तुझे अभी हर एंगल से देख रहा हूं अब तू अपने फियर को कॉन्कर कर। लेकिन ग्रे यहां पे टेंशन में आ जाती है और बोलती है नहीं मैं नहीं देख सकती हूं। तो गाची पीछे घूमता और बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहां पे एक हिप्नोटाइज करने वाली बटरफ्लाई आती है और वो गलती से हमारी ग्रे को हिप्नोटाइज कर देती है। तो गाची बोलता है चलो ये बात तो अच्छा है। गाची फिर बोलता है कि ओए ग्रे एक हाथ ऊपर कर। तो ग्रे एक हाथ ऊपर करती है, बोलता है एक पैर ऊपर कर। तो ग्रे एक पैर ऊपर करती है। फिर वो बोलता है ग्रे तुम एक टर्टल हो, तुम एक ऐसे टर्टल हो जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको देख रहा है कि नहीं। तो ग्रे एकदम टर्टल बन के जमीन पे गिर जाती है। फिर वो बोलता है कि तुम एक इंसान हो लेकिन तुम्हारा दिमाग एक टर्टल के जैसा है, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कोई तुम्हारे पास देखे या ना देखे। तो ग्रे एकदम से हिप्नोटाइज रहती है और वो गाची के बात को सुन के मस्त आगे बढ़ती रहती है और वो सब लोग को देख रही होती है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद ग्रे के ऊपर का हिप्नोटिज्म टूट जाता है लेकिन फिर भी वो नॉर्मली चलने लगती है गांव में और गाची उसको हर जगह लेके जा रहा होता है और ऐसे ही सब लोग ग्रे को देख रहे होते हैं लेकिन ग्रे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो गाची बोलता है चलो ठीक है अब तुम मेरी बहन में कन्वर्ट हो और वो सारी की सारी चीजें बोलो। तो हमारी ग्रे मारी में कन्वर्ट होती है और बोलती है बड़े भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो ये सुनने के बाद हमारा गाची ग्रे के ऊपर जंप मारता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। बोलता है कि ओरे मारी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तभी ही हमारी ग्रे वापस से ग्रे में कन्वर्ट होती है और बोलती है नहीं 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ग्रे वापस से शर्माने लगती है और ऐसे ही ग्रे का पार्ट भी खत्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारी चार्लेट अपने सारे के सारे टीममेट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो उन सबके ऊपर अपना प्लांट मैजिक यूज करके उन लोगों को हरा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सारे के सारे टीममेट्स एकदम से थक चुके होते हैं। तो बोलती है अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और चाय पीते हैं। तब वो आराम से चाय पी रही होती है और अपने टीममेट्स को बोलती है कि अभी हमें बहुत इंप्रूव करना है अपने आप को। चलो एक बात तो अच्छा है कि हम लोग ने कम से कम अपने दिल की बात एक दूसरे से कर ली और हम सब जानते हैं कि मोस्टली यहाँ पे सब लोग के बॉयफ्रेंड्स हैं। तभी सारी की सारी लड़कियां बोलती है कि हम लोग तो बस वेट करें कि ये वॉर कब खत्म हो, उसके बाद मैं मेरी बॉयफ्रेंड के साथ जाके घूमूंगी, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चैट करूंगी, ऐसे सब लोग बातें करते रहते। तो ये सब सुन के हमारी चार्लेट को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है। तभी सारी की सारी गर्ल्स बोलती है कि हाँ हमें तो ये भी पता है कि जैसे ही वॉर खत्म होगा वैसे ही हमारी कैप्टन चार्लेट तो मस्त मल्टीपल डेट्स पे जाएगी यामी के साथ। तो ये सुन के चार्लेट शर्माने लगती है। फिर उसके बाद ये सारी की सारी लड़कियां हमारी चार्लेट को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप यामी से मिलोगे तो आप तो उनके प्यार में पागल हो जाओगे।
या यामी भी आपके प्यार में पागल है और सोचो कि आप लोग बैटल फील्ड पे हो और तभी यामी आपको प्रोटेक्ट करे और वो बोले कि चारो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करके एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, तो आपके साथ कैसा होगा। तो ये सब सुन के हमारे चाचा रेट और ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद वो इन लोग का ट्रेनिंग वापस स्टार्ट करती है और वो अपने मल्टीपल अटैक से इन सबको हराने लगती है और ऐसे ही सारे के सारे लड़कियां चार्ट से हारने लगती है। तभी चार्ट बोलते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग और पावरफुल बन जाए। तो सबकी सब लड़कियां एक साथ ग्रुप बनाती है और वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो लोगों को एक नया तरकीब लगाना पड़ेगा जिससे उनका ट्रेनिंग का ट्रेनिंग भी हो जाए और उसके साथ ही साथ उनकी चार्ट को यामी के साथ घूमने का मौका मिल जाए। तो तभी ये सब लड़कियां बोलती क्यों ना हम लोग दूसरे स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग करें और हम लोग ट्रेनिंग करें ब्लैक बुल्स वाले स्क्वाड के साथ। तो ये सुनकर चार्ट बोलती कि हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। तभी उसको मार्क्स फोन करता है और बोलता है कि अरे मैं मशरूम बॉय बोल रहा हूँ और इस वक्त तुम लोग को समन किया है महोदय ने। तो बोलती ठीक है। फिर हमें अगले समय दिखाते कि सब लोग जा रहे होते हैं महोदय से मिलने के लिए। तभी ही चार्ट के पीछे यामी आता है। तो यामी को देख के चार्ट बोलती कि मैं जाके इसको बोलती हूँ कि यामी क्या तुम तुम्हारे टीम के साथ मेरी टीम का ट्रेनिंग करवाओगे। ऐसा बोल के वो भाग के जाती है यामी से बात करने के, लेकिन वो स्लिप हो जाती है और यामी के ऊपर गिर जाती है। तो यामी उसको अपने हाथ से पकड़ता है। तो ये सीन में हमारे चार्ट बहुत क्यूट दिखती है और वो ब्लश करके वहां से भागने लगती है। तभी वो बोलती कि मैं यामी को एक बार पहले भी गिफ्ट देने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं शर्मा के भाग गई थी और आज मैंने वापस से वैसा कर लिया है। फिर उसके बाद महोदय हमारे मशरूम बॉय से बात कर रहे होते हैं और तभी मशरूम बॉय उनको बोलता है कि चार्ट ने बोला है कि उसे ब्लैक बुल्स के साथ ट्रेनिंग करनी। तो ये सुन के हमारे महोदय बोलते हैं ये आइडिया तो अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग सारे के सारे मैजिक नाइट्स की ट्रेनिंग एक साथ करवाएं और सारे के सारे कैप्टन के बीच में एक फाइट करवाएं। तो अगले पार्ट में इन सारे के सारे कैप्टन के बीच में फाइट होने वाला है। तो अगर आपको उसको मिस नहीं करना तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अगले पार्ट में ये सारा का सारा सीन कवर करने वाला हूं। और उसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे फ्यूचर के वीडियो मिस ना करो। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साज और बात करूंगा आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।